गाइस वेलकम टू माय चैनल वन जू वर्ल्ड, और मैं वन केजिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक जीएल फैन फिक्शन जिसका नाम है एक्स और इंतकाम। और अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किसका एक्स है और किसका इंतकाम है। और आप जो थंबनेल देख रहे हैं उसमें मत सोचिएगा कि दो ही लड़कियां हैं, उसमें तीन लड़कियां हैं। ये कहानी उन्हीं की है। और गाइस मैं इसको वन शॉट बनाने की कोशिश करूंगी, अगर वन शॉट नहीं बना तो टू शॉट बनेगा, तीन या फिर चार पार्ट नहीं बनेगा। और ये कहानी फैंटेसी है, इसमें थोड़ा सा काला जादू है। तो चलिए अपने इस एफएफ का जादू आप पे चलाते हैं और बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करते हैं। पर आप भी बिना किसी बकवास के, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो सीन आपको अच्छा लगे उस सीन को पॉइंट आउट करके कमेंट करना भी मत भूलिएगा। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का जिसने शादी का जोड़ा पहन रखा था, लाइक वो दूल्हा था जो अपने कपड़े को सही करके एक जगह पे जा रहा होता है। वो गेट खोलता है फिर अंदर जाता है, कमरा एकदम खाली था। वो लड़का इधर उधर देख रहा होता है, अभी अचानक से उल्लू की आवाज़ आती है। वो लड़का विंडो की तरफ देखता है, विंडो खुली हुई थी, पेड़ पे एक उल्लू बैठा था जो ये आवाज़ कर रहा होता है। अब वो लड़का विंडो के पास जाता है, उस विंडो को बंद करता है, तभी उसे पीछे से बेल की आवाज़ सुन के वो लड़का पीछे मुड़ने ही वाला था, तभी कोई उसे पकड़ लेता है और बेड पे धकेल देता है। अपना जो लड़का रहता है उसको देखता है और कहता है, हाँ इसी गंदा तुमने मुझे डरा दिया। अभी उसके सामने एक बहुत सुंदर सी लड़की खड़ी थी जिसने दुल्हन का पूरा गेटअप ले रखा था, उसका नाम निशिगंधा था। निशिगंधा हंसती है और कहती है, मैंने तुमको डरा दिया सच्ची में? और ये कहते ही अपना जो पाँव होता है ना लड़के के पैर पर रख के, अपने थोड़ा सा वो घाघरे को, लाइक एक पाँव के घाघरे को थोड़ा सा ऊपर करती है और कहती है, अभी डराना तो बाकी है। और ये कहते ही उस पर सीधा जंप मार लेती है, लाइक उसके ऊपर आ जाती है। अभी निशिगंधा उस लड़के को ही देख रही होती है, वो जो लड़का रहता है निशिगंधा का कमर पकड़ता है और उसे ना थोड़ा सा नीचे कर देता है, लाइक अब वो निशिगंधा नीचे हो गई होती है और लड़का टॉप हो गया होता है। लड़का कहता है, नहीं नवेली दुल्हन इतनी मस्ती करती है क्या? निशिगंधा कहती है, मुझे तो मस्ती करना ही आता है। निशिगंधा उस लड़के के गाल पे हाथ रखती है और कहती है, और आज तो मैं तुम्हें दुनिया की पूरी खुशी देना चाहती हूँ क्योंकि कल हो ना हो। वो निशिगंधा को बहुत प्यार से देख रहा होता है, वो कहता है, मतलब निशिगंधा कहती है, मतलब बाद में बताऊंगी, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कर क्या सकती हूँ। और ये कहते ही उसका जो शर्ट होता है ना, लाइक जो उसने ड्रेस पहन रखा है, उसको खींच लेती है अपने तरफ और उसे किस करने लगती है, फिर उसे ना बेड पे थोड़ा सा लेटा देती है। मतलब अभी वो लड़का टॉप पे था ना, उसे फिर से बॉटम कर देती है, उसे बेड पे लेटा देती है और उसके नेक पे किस कर रही होती है। वो लड़का कहता है, तुम तो मुझे दूध भी नहीं पिलाओगी, मैंने सपने सजा रखे थे मेरी दुल्हन घूंघट में बैठी हुई रहेगी और जब मैं आऊँगा तो मुझे शर्मा के दूध पकड़ाएगी। अब नीनी सी गंदा मुँह पे उंगली रखती है और कहती है, अगर ये सभी सपने थे तो किसी और से शादी कर लेते, मेरे से क्यों किया, तुम्हें पता था ना कि मैं कैसी हूँ। लड़का कहता है, फिर भी मुझे तुम पसंद आई, जो कर रही हो करती रहो, कभी कभी दबके रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। निशिगंधा हंसती है और कहती है, अब तुम्हें दबके ही रहना पड़ेगा हमेशा, और एक ईवल सी स्माइल देती है। वो लड़का निशिगंधा के स्माइल को ज़्यादा नोटिस नहीं करता है। जो उल्लू की आवाज़ है ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई होती है, चांद जो हल्का हल्का रेड रेड हो रहा होता है, अभी चांद एकदम रेड हो जाता है। अभी अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़का निशिगंधा को किस कर रहा होता है और उसके पाँव पे जाता है। वो जैसे ही पाँव पकड़ता है वो बहुत गंदा डर जाता है क्योंकि निशिगंधा के पाँव उल्टे थे। वो लड़का डर के कहता है, तुम्हारे पाँव उल्टे हैं।
अभी निसी गंदा हंसती है और कहती है, जाने मन चुड़ैलों के पाँव उल्टे नहीं होंगे तो क्या सीधे होंगे। अभी वो कुछ लड़का कहता उससे पहले निसी गंदा अपने नाखूनों से ना उसके गले पे एकदम चीरा लगा देती है। लाइक उसके जो नेल्स हो गए होते हैं बहुत बाहर आ गए होते हैं, वो उस लड़के के गले में चीरा लगा देती है और उसे मार के बेहोश कर देती है। निसीगंधा जो उस लड़के को ना हवा में उड़ा रही होती है अपने शक्तियों से और उसे ले जा रही होती है। जब वो चल रही होती है तो उसके पायलों की आवाज़ और उल्लू की आवाज़ मिक्स हो रही होती है। अभी निसीगंधा उस लड़के को एक जगह पे ले जाती है जहाँ पे एक बहुत बड़ी सी मूर्ति थी, बहुत ही अजीब सी मूर्ति। अभी वो उस लड़के को उस मूर्ति के सामने ले जा के रख देती है, फिर हाथ जोड़ती है और कहती है, मैंने अपने 16वें पति को भी दान देने के लिए ला दी हूँ, अब मुझे मेरा 15वां श्रृंगार दीजिए, मुझे मेरा 15वां श्रृंगार दीजिए। और ये कहते ही निसीगंधा पास में पड़ी हुई थालियाँ जिसमें बहुत सारे सिंदूर थे उससे हवा में उड़ाने लगती है और नाचने लगती है। निसीगंधा उस मूर्ति के सामने नाच रही होती है, कभी नाचते नाचते गुलाल उड़ा रही होती है, कभी खुद को ही चाबुक मार रही होती है। अभी निसीगंधा नाच रही होती है, उस लड़के की आँख हल्का सा खुलता है और वो निसीगंधा को देखता है और धीरे से कहता है, निसीगंधा। अभी जो निसीगंधा होती है वो तलवार पकड़ी होती है, लाइक डांस करते करते उसने तलवार पकड़ लिया होता है और वो नाचते नाचते आती है और अपने पति का सीधा गला काट देती है। गला काटते ही उसका जो पूरा खून होता है लड़के का उस जगह पे पूरा फैल रहा होता है, खून हर जगह फैल गया होता है और वो खून जाते 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 जो मूर्ति थी उसके चरणों पे जाके लग जाती है। अब वो जो मूर्ति थी उसकी आंखें खुल जाती है और उसकी आंखें एकदम रेड रेड थी। अभी निसीगंधा के सामने अचानक से एक मांग टीका प्रकट होता है जो बहुत ही चमक रहा होता है। निसीगंधा उस मांग टीके को पकड़ने के लिए आगे जाती है, अपने दोनों हाथ को फैला दी होती है। अब वो जो मांग टीका था उसके दोनों हाथ पे आके गिर जाता है। निसीगंधा अब अपने नीस पे बैठ जाती है और जो वो होते हैं उसके भगवान उससे शुक्रिया कहती है और उस मांग टीके को ऐसा ना अपने सर पे लगा लेती है। मांग टीके को सर पे लगाने के बाद निसीगंधा बहुत ही प्यारे से स्माइल करती है और कहती है, शुक्रिया शुक्रिया, मैं अपने लक्ष्य के करीब आ गई, मैं अपने लक्ष्य के करीब आ गई, हब बस एक और पति मेरा, हब बस मेरा लास्ट श्रृंगार, मेरी सिंदूर वो मुझे मिल जाए तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, बस मेरा एक श्रृंगार मुझे मिल जाए, बस एक सिंगार। अभी रिचुअल्स करते करते ना सुबह हो गए होते हैं, लाइक 5 बज गया होता है, सूरज उगने ही वाला था। मैं एक जगह का सीन दिखाया जाता है, एक लड़का जो अपनी छोटी सी बच्ची को लेके भाग रहा होता है जिसकी उम्र अभी सिर्फ 10 साल ही होगी। उसके होठ के पास एक तिल था जो उसके चेहरे को एक ब्यूटीफुल चेहरा बनाता है। अभी वो आदमी अपनी बच्ची को लेके भाग ही रहा होता है और बहुत सारे आदमी उसके पीछे पड़े रहते हैं उसको मारने के लिए। वो लड़की अपने बाबा से कहती है, बाबा ये हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं, हम कब तक भागते रहेंगे। उसके जो पापा रहते हैं वो कहते हैं, मेरी बंदरिया बस कुछ देर और हम महल पहुंचने ही वाले हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा, तुम खूब आराम करना ठीक है। अपनी वो जो बच्ची रहती है वो कहती है, बाबा मुझे मेरी फिक्र नहीं है, आपके पाँव में चोट लगी है फिर भी आप भाग रहे हैं। अभी वो जो उसके पापा थे वो स्माइल करते हैं और कहते हैं, मेरे बारे में ज़्यादा सोचो मत, मैं ठीक हूँ, मुझे बस तुम्हें उस महल में पहुँचाना है, अब रुको मत, भागो और तेज भागो। अभी हमें निसीगंधा को दिखाया जाता है जो उस जगह से निकल गई होती है और वो बाहर थी। अभी ये जितना भी जगह है ना रेगिस्तान वाला एरिया है। निसीगंधा हर जगह देखती है और कहती है, चलो जरा मैं अपने 15वां श्रृंगार का थोड़ा सा जादू तो चलाऊं। अभी निसीगंधा अपने मांग टीके पे हल्का हल्का मार रही होती है, लाइक अपने मांग टीके को हल्का हल्का टैप कर रही होती है और बहुत ही स्माइल कर रही होती है।
अभी हमें वापस से उन दो को ही दिखाया जाता है, मतलब बाप बेटी की जोड़ी जो उन लोगों के हाथों में आने ही वाले थे, लाइक वो जो गुंडे थे उनको पकड़ने ही वाले थे। अभी हमें वापस से निशिगंधा को दिखाया जाता है जो अपने मांग टीके को ना एक प्यार से हाथ लगाती है, लाइक अपने मांग टीके को बहुत प्यार से छूती है। अब मौसम ना अचानक से अंगराई लेने लगता है, लाइक पूरा मौसम बदल जाता है। अभी जहाँ पे एक अच्छी खासी मौसम थी, आंधी वाला मौसम बन जाता है। जो रेगिस्तान वाला जगह था ना, पूरा रेत हर जगह उड़ने लगता है। निशिगंधा के चेहरे पे बहुत ही स्माइल थी, क्योंकि ये जो हुआ था लाइक मौसम चेंज, वो उसके मांग टीके की वजह से हुआ है, तो वो अपनी पावर देख के बहुत खुश हो रही थी। अभी हमें वापस से उस बाप बेटी की जोड़ी को दिखाया जाता है जो पकड़ने वाले थे, लाइक पकड़ने ही वाले थे। तभी पूरा मौसम चेंज हो जाता है, वो भी रेगिस्तान वाले एरिया में थे, तो जितने भी ऐसे ना धूल मिट्टी है चेहरे पे पड़ने लगता है, जिस वजह से वो जो बैड टीम थी, लाइक वो जो थी जो मारना चाहती थी, वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए जो वो लड़का रहता है अपनी बेटी को गोद में उठा के वहाँ से भागने लगता है। अभी हमें निशिगंधा को दिखाया जाता है जो हंस हंस के गोल गोल घूम रही होती है। अभी उन्हीं के पास से, लाइक उनके थोड़े से दूर से जो वो बाप और बेटी की जो जोड़ी थी वो जा रही होती है। निशिगंधा अभी ऐसे घूमते घूमते रुक जाती है और उन दोनों को देख रही होती है। जो वो बच्ची थी उसकी नज़र निशिगंधा के तरफ ही थी, और वो उसका चेहरा ना एकदम बहुत ही काम हो गया होता है उस बच्ची का। निशिगंधा भी उन दोनों को देख रही होती है, बट वो दोनों निशिगंधा को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि निशिगंधा अभी ने अपना एक जादू कर रखा है, जिस वजह से लाइक उसकी जो बिंदी है उसमें ये जादू है कि वो चाहे ना तो रह के भी गायब हो सकती है। लाइक वो दूसरों को देख सकती है, दूसरे उसको नहीं देख सकते हैं। वो एक कवर एरिया बनाती है, जैसे कि एक कमरे जितना एरिया उसने मैजिक कर रखा है, तो उस कमरे में जो कुछ भी है ना, जितने भी इंसान हैं वो नहीं दिखेंगे किसी को भी। तो निशिगंधा ने वही कर रखा होता है, जिस वजह से वो दोनों निशिगंधा को नहीं देख पा रहे होते हैं। बट निशिगंधा उनको देखती है, बट कुछ रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि निशिगंधा अभी बहुत खुश है, वो किसी को मारना नहीं चाहती है। अभी निशिगंधा ना अब जाने लगती है, लाइक वो अब जा रही होती है दूसरे साइड, और जो उसका कवर वाला एरिया था जिस वजह से उसको कोई ना देखे, वो भी उसके साथ साथ ही चल रहा होता है। अभी जो वो बच्ची थी ना, वो सीधा ही देखी जा रही थी, एकदम सीधा। मतलब इमेजिन, निशिगंधा एक तरफ जा रही है और वो बच्ची उसी तरफ देख रही है, और ये दोनों अलग अलग तरफ जा रहे हैं, बट बच्ची निशिगंधा को देख रही है और निशिगंधा सामने जा रही है स्माइल करते करते। अभी हमें एक बहुत बड़ा सा महल दिखाया जाता है जहाँ पे पूजा की तैयारी चल रही होती है। एक लड़का जो चल रहा होता है, तभी एक आंटी उसे पकड़ती है और कहती है, मोक्स आज तुम्हारे लिए पूजा रखवाया गया है, और तुम हाथ के पीछे क्या ले जा रहे हो? अभी जो वो बच्चा होता है नामे से हिलाता है और कहता है, नहीं मम्मी मैं तो कुछ नहीं ले जा रहा। अभी उस लड़के की उम्र ना 12 साल है, तो जो उसकी माँ रहती है वो कहती है, अच्छा तो अपना हाथ आगे करो। अभी जब मॉक्स अपना हाथ आगे नहीं करता है, तो उसकी माँ खुद उसका हाथ पकड़ के आगे कर देती है, तो उसके हाथ में लड्डू था। उसकी माँ फिर मॉक्स के तरफ देखती है, मॉक्स अपना नज़रें नीचे कर लेता है, उसकी माँ मॉक्स के गाल पे हाथ रखती है और कहती है, मॉक्स बेटा पूजा का सामान है ना, उसे झूठा मत करो, जाओ वापस रख के आओ, जैसे ही पूजा ख़त्म होगा मैं तुम्हें खूब सारे लड्डू खिलाऊंगी। अपना मॉक्स स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू मम्मी, और ये कहते हैं उस लड्डू को ना वापस रखने चला जाता है पूजा की थाल में। अभी मैं मॉक्स की मम्मी का नाम बता देती हूँ, उनका नाम है निर्मा और इनकी फैमिली है सिंह, मतलब निर्मा सिंह नाम है उनका। और चलिए अब मैं बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करती हूँ। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, मॉक्स जो पूजा में बैठा हुआ था उसके पास में उसके मम्मी पापा बैठे हुए थे। मम्मी का नाम पता है, पापा का नाम सुखी सिंह है, उसका जो भाई है उसका नाम राकेश सिंह है, और बीबी का नाम मीनाक्षी है। मीनाक्षी की दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम काजोल है और लड़के का नाम रोहित है। मॉक्स की एक बहन है जो उससे बड़ी है, जिसका नाम सरसी है। तो चलो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन किसका नाम है, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ वापस से। सब बैठ के पूजा कर रहे होते हैं। जो अपनी निर्मा रहती है वो कहती है,
बाबा जी, मेरे बेटे से शैतान की छाया हट जाएगी ना। वो जो पंडित रहता है वो कहता है, कोशिश तो हम यही कर रहे हैं। भूत पिशाच हुआ तो हटाना आसान होगा, पर चुड़ैल हुई तो मुश्किल हो जाएगा। अभी हमें निशिगंधा को दिखाया जाता है जो एक जगह पे बैठी हुई थी और वो कुछ रिचुअल्स टाइप कर रही होती है, लाइक वो अपने मैजिक का यूज़ कर रही होती है ये पता लगाने के लिए कि उसका नेक्स्ट शिकार कौन है। अभी उधर पंडित पूजा कर रहे होते हैं और अभी यहाँ पे अपनी जो निशिगंधा होती है वो भी अपने रिचुअल्स कर रही होती है पता लगाने के लिए कि उसका नेक्स्ट शिकार आखिरकार है कौन। अभी जो पंडित होते हैं ना, वो जो हवन कुंड होता है उसमें कुछ डाल ही रहे होते हैं, तभी हमें निशिगंधा को दिखाया जाता है जिसके सामने ना एक कुंडली खुली होती है और नाम लिखाया होता है। निशिगंधा बोलती है, मोक्ष सिंह, उस मोक्ष को तो मोक्ष मैं ही दिलाऊंगी। और अभी हमें पंडित को दिखाया जाता है, पंडित जो वो अग्निकुंड में कुछ डालने वाले थे वो डाल देते हैं। वो जैसे ही डालते हैं एक बड़ी सी धुआं उठती है जिसमें एक इंसानी फेस दिखाया जाता है जो चिल्ला रहा होता है। ये देख के सारे डर जाते हैं। जो अपनी निर्मा होती है वो अपने बच्चे को पकड़ लेती है, लाइक अपने मोक्ष को पकड़ लेती है। अभी हमें निशिगंधा को दिखाया जाता है जो एक मंत्र पढ़ रही होती है मन ही मन में, फिर वो एक फूंक मारती है जिससे एक रेड धुआं ना उसके मुंह से निकलता है और वो धुआं ना कहीं जा रहा होता है। अभी हमें अपने मॉक्स को दिखाया जाता है जिसकी जो लिटिल फिंगर होती है ना उस पे ना वो रेड धुआं आके लगता है, जिस वजह से उसकी जो छोटी उंगली थी उसमें पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया होता है, लाइक जो नाखून होती है ना वो ब्लैक हो गई होती है, जैसे कि ब्लैक पेंट कर दिया हो। अभी हमें निशिगंधा को दिखाया जाता है जिसकी आँखें लाल हो गई होती है। अभी निशिगंधा कहती है, मॉक्स। फिर निशिगंधा अपनी उंगलियों में ना जो रिंग पहनी थी जो बहुत ही बड़ी थी उस रिंग की तरफ देखती है और एक प्यारी सी स्माइल करके बोलती है, चलो मेरे सिंगार, बताओ कि मेरा अगला सिंगार कहाँ है। मॉक्स आखिरकार दिखता कैसा है, जरा हमें भी बताओ। अभी जो रिंग है ना वो चमकने लगता है और उस रिंग में ना एक बड़े बड़े से सर्कल आ गए होते हैं और फिर एक छवि दिखने लगती है और उसके अंदर हमारा मॉक्स दिखाई देता है। अपनी निशिगंधा बोलती है, तुम तो बहुत ही छोटे हो, पर कोई बात नहीं, लाल चांद का दिन कौन सा कल है, वो भी तो काफ़ी दिन बाद ही है, काफ़ी साल बाद, तब तक तो तुम बड़े हो जाओगे। एक बार बड़े हो जाओ फिर तुमसे शादी करके तुम्हें मार के अपना 16वां सिंगार ले लूँ, फिर जो करना चाहती हूँ वो मैं करके रहूँगी, सबसे शक्तिशाली मैं रहूँगी इस पूरे दुनिया में, सबसे शक्तिशाली। हमें हवेली का सीन दिखाया जाता है, जो निर्मा थी वो पंडित से बात कर रही होती है। क्या मतलब था उसका, वो धुआं, वो हंसी, वो क्या था, वो चिल्लाना, पंडित जी सब कुछ सही है ना। अपना जो पंडित होता है वो कहता है, जिस बात का डर था वही हुआ है, मॉक्स पे चुड़ैल की साया पड़ने वाली है, बस अब जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करके उसके साया पड़ने से पहले तक हमें उसे बचाना पड़ेगा, नहीं तो मॉक्स चाह के भी बच नहीं सकता। पंडित और निर्मा गेट के पास ही जा रहे होते हैं तभी गेट के पास दो इंसान खड़े थे, एक लड़की छोटी सी और एक लड़का, और ये वही दो इंसान हैं, मतलब बाप और बेटी की जोड़ी ये वही है। अभी निर्मा उनको देखती है तो उनके तरफ जाने लगती है। अभी जो वो आदमी था वो कहता है, निर्मा मैडम आपने मुझे पहचाना। निर्मा कहती है, विक्रम भाई साहब आप यहाँ पे। अभी वो जो निर्मा थी अभी वो बच्ची को देखती है और कहती है कि आपकी बेटी नियति है। अभी विक्रम जो वो है वो हाँ में सर हिलाता है। अभी जो छोटी लड़की है उसका नाम नियति है। अभी जो निर्मा रहती है नियति के गाल पे हाथ लगाती है और कहती है, काफ़ी बड़ी हो गई हो तुम। अभी नियति हल्की सी हंस रही होती है। अभी जो विक्रम होता है वो कहता है, निर्मा मैडम हमें यहाँ पे अपने यहाँ पे काम दे दो। निर्मा मैडम, अपनी जो निर्मा रहती है वो कहती है, क्या आपको काम चाहिए, वैसे आपकी पत्नी कहाँ पे है। विक्रम कहता है, वो इस दुनिया में नहीं रही, काफ़ी लोग हमें मारने के पीछे पड़े हैं, बचते बचाते यहाँ पे आए हैं,
आप एक आखिरी सहारा है, हमें काम दे दो मैडम, हमें काम दे दो। अभी पीछे से सुखी आता है और कहता है, विक्रम ये अनाथ आश्रय नहीं है, जो कोई भी आ जाएगा। अभी जो निर्मा रहती है अपने पत्नी पति की तरफ देखती है और कहती है, सुखी आप ये क्या बोल रहे हैं। सुखी कहता है, सिर्फ नाम ही सुखी है, तुमने तो मुझे दुखी करके छोड़ रखा है, काम वाम नहीं है विक्रम। अभी हमें पंडित को दिखाया जाता है, मॉक्स जो लड्डू लेके भाग रहा होता है, पंडित उसके हाथों को देखता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। मॉक्स डर जाता है और कहता है, पंडित जी मम्मी ने बोला था कि पूजा के बाद मैं लड्डू खा सकता हूँ, इसलिए मैंने लड्डू लिया, नहीं तो मैं नहीं लेने वाला था। अभी जो पंडित होता है ना, मॉक्स की वो छोटी उंगलियों को देखता है और कहता है, ये तुमने खुद काले किए हैं। मॉक्स अपनी उंगलियों को देखता है और कहता है, ये काले कैसे हो गए, मैंने तो काले नहीं किए थे, ये काला कैसे हो गया। अभी ना मॉक्स अपने उंगलियों को साफ करने लगता है, बट वो साफ हो ही नहीं रहा होता है। पंडित फिर उसको पानी के पास ले जाता है, और ये अमीर लोग हैं, बहुत ज़्यादा शौक करने की बहुत आदत है, तो बाहर वो फाउंटेन होता है ना, वो लगा के रखे हुए थे, और पंडित वहीं के पानी को लेके मॉक्स की उंगली साफ़ करने लगता है, बट वो उंगली साफ़ ही नहीं हो रही थी। अभी जो पंडित है ना, डर जाता है और निर्मा के पास जाने लगता है कुछ कहने के लिए। अब हमें वापस वहीं का सीन दिखाया जाता है, सारे के सारे जो बड़े लोग होते हैं वहाँ पे बहले हो गए होते हैं। जो अपना खुश सुखी होता है वो कहता है, विक्रम को 1000 दो और उनको जाने का कहो। और ये कहते ही सुखी जाने वाला था, अपना जो राकेश होता है विक्रम को पैसा देने वाला था, बट विक्रम कहता है, ना जी ना जी, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो बस काम मांगने आए थे, अब हम चलते हैं। अभी जो निर्मा रहती है ना, बहुत उदास हो जाती है। निर्मा सुखी के पास जाती है और कहती है, काम ही तो मांग रहे हैं, कौन सा फ्री में रहना चाहते हैं, रहने दीजिए ना। खुशी कहता है, हमारे पास नौकर पहले से ही बहुत हैं, और नौकर नहीं चाहिए, एक तो ये और इसकी बच्ची, नहीं नहीं अब हमें नौकर नहीं चाहिए। निर्मा कहती है, प्लीज़ मेरे लिए रख लीजिए। सुखी कहता है, यार तुम्हारे कहने पे मैंने कितना कुछ किया है, ये जो हर महीने पूजा करवा देती हूँ ना, फ्री में नहीं होते हैं, पैसे लगते हैं, अपने अंधविश्वास की वजह से इतने पैसे गवाती रहती हो मेरा। निर्मा कहती है, अंधविश्वास मैं अपने बेटे के लिए करती हूँ, आपने देखा नहीं आज क्या हुआ है। अभी जो खुशी होता है एकदम शांत हो जाता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं पड़वा, बस मैं इसको नहीं रखने वाला काम पे। निर्मा विक्रम को देख रही होती है, विक्रम जो जाने वाला था, तभी पंडित आता है निर्मा के पास और कहता है, निर्मा तुम्हारे बेटे पे चुड़ैल का साया पड़ चुका है, चुड़ैल ने उसे अपना शिकार बना रखा है, उसकी उंगली काली हो गई है। निर्मा एकदम हैरान हो जाती है, अपना जो खुशी होता है कहता है, क्या पंडित मार्कर वारकर लगा लिया होगा उसने अपने उंगली में। अपना जो पंडित होता है वो कहता है, तो ठीक है जाके देखो वो निशान हट रहा है कि नहीं, मैंने तो बहुत कोशिश किया, मेरे से तो नहीं हट रहा, जिसका मतलब ये है कि चुड़ैल ने उसे शिकार बना लिया है। अभी हमें नियति और विक्रम को दिखाया जाता है, जो जाने वाले थे और उनने अपने घर से कदम रखा ही होता है बाहर, तभी पंडित को एक अलग सा एहसास होता है, वो फिर उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, रुको। अभी वो दोनों रुक जाते हैं। अभी पंडित नियति के पास जाता है, उसके गाल को छूता है और कहता है, तुम्हारा नाम क्या है। वो बच्ची कहती है, मेरा नाम नियति गुप्ता है। पंडित कहता है, नियति तुम्हारे चेहरे पे एक अलग सी ही चमक है, तुम मॉक्स की नियति बदल सकती हो। अपनी जो निर्मा रहती है वो पंडित के पास जाती है, पंडित निर्मा को कहता है, ये लड़की तुम्हारे बेटे को बचा सकती है, इसमें एक अलग ही ऑरा है, ये तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगी, इसके चेहरे से ही पता चलता है कि इसने एक जन्म किसी वजह से लिया है, कुछ तो बात है इस बच्ची में, इसको घर में रखो, ये मॉक्स की रक्षा कवच जरूर बनेगी। अभी वो दोनों ना ऐसे फुसफुसा के बात कर रहे होते हैं, बट मैं कितना फुसफुसा के बात करूँ। खुशी एक अजीब सा चेहरा बनाता है, निर्मा का हाथ पकड़ता है और कहता है, हे निर्मा इस पंडित की बात पे और मत आ। बट निर्मा खुशी का हाथ छुड़ाती है और कहती है, खुशी जी। अभी जो सुखी होता है वो कहता है, मेरा नाम सुखी है, खुशी नहीं, मैं लड़की नहीं हूँ, तुमने एक लड़के से शादी किया है। तो निर्मा होती है वो कहती है, माफ़ कीजिए
नियति को प्लीज़ रख लीजिए। पंडित कह रहे हैं कि नियति हमारे मॉक्स की नियति चेंज कर सकती है। अपना जो सुखी होता है वो कहता है राइमिंग बहुत अच्छी है, पर मैं उस पंडित के बात में नहीं आने वाला। कब से चे 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 किया जा रहा है, जब से इस घर में तुमने उस पंडित को लाया है, ये करो वो करो ये करो वो करो, नौकर बना के छोड़ दिया है उसने। बिल्कुल नहीं, मैं उसके कहने पे अब कुछ नहीं करने वाला। अभी जो निर्मा होती है ना, वो एक नौकर की तरफ देखती है और उसे कहती है कि मॉक्स को बुला के लाओ। फिर मॉक्स को बुलाया जाता है, उसके हाथ में जो वो काला काला हो गया था उसे मिटाने की पूरी कोशिश की जाती है हर एक चीज़ से, बट मिटती नहीं है। नियति और विक्रम बाहर ऐसे ही बैठे हुए थे, उनको पानी दिया गया होता है पीने को और वो वहीं पे बैठे हुए थे। अपनी जो नियति होती है ना, अपने पापा का पाँव अपने पाँव पे रख लेती है और उसको हल्का हल्का दबा रही होती है। उसका बाप मना कर रहा होता है, फिर भी नियति हल्का हल्का दबा रही होती है। अभी जो निर्मा है ना, अब बहुत ही कन्विंस करती है अपने पति को कि रख लो मोक्ष का सवाल है, मोक्ष का सवाल है। बट उसका बाप रखने के लिए तैयार नहीं था, बट बीबी के सामने किसकी ज़्यादा चल सकती है, तो वो मान जाता है रखने के लिए। निर्मा को दिखाया जाता है जो मोक्ष को लेकर नियति के पास आ रही होती है, नियति और विक्रम के पास आ रही होती है। निर्मा मोक्ष को नियति से मिलाती है और नियति से कहती है, नियति तुम मेरे बेटे का ख्याल रखोगी, उसका हमेशा साथ दोगी, वादा करो तुम मेरी बेटी की रक्षा करोगी। अभी मॉक्स ऐसे ही देख रहा होता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि चल क्या रहा है। अभी जो अपनी नियति है वो मॉक्स के हाथों पे अपना हाथ रखती है और कहती है, मैं नियति गुप्ता मॉक्स सिंह की रक्षा करूँगी, ये मैं वादा करती हूँ। अभी मॉक स्माइल करता है क्योंकि निर्मा ने कहा था कि नियति से तुम्हें दोस्ती करना है, और बच्चे तो बच्चे होते हैं, लाइक एक 12 साल का एक 10 साल का है, बट फिर भी हाँ वो बच्चे ही हैं। अभी जो निर्मा होती है दोनों के गाल पे हाथ रखती है और उनको जाने का बोलती है वहाँ से कि तुम दोनों खेलो, और वो दोनों ऐसे ही चले जाते हैं। मॉक्स कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपना पूरा महल दिखाता हूँ, और नियति भी बोलती है कि चलो देखते हैं। अभी जो विक्रम होता है वो ऐसे ही चुपचाप देख रहा होता है। अपनी जो निर्मा रहती है वो कहती है, आप आज से यहीं पे रहेंगे, पास में जो कमरा है वो आप और नियति के लिए है, वो छोटा है इसलिए मैं बस उसे कमरा कह रही हूँ, क्या आप एडजस्ट कर लेंगे। अभी जो विक्रम रहता है वो कहता है, मैंने इतना किया ना निर्मा मैम, यही बहुत बड़ी बात है, आप जहाँ पे भी बोलेंगे मैं वहाँ पे रह लूँगा। अभी जो निर्मा होती है विक्रम के हाथों पे हाथ रखती है क्योंकि विक्रम ने हाथ जोड़ रखा था। अभी निर्मा कहती है, मैम मत बोले विक्रम भाई सा, आपकी बीबी और मैं दोस्त हुआ करते थे, बस उसने आपसे शादी की और मैंने बड़े घर के आदमी से, इसलिए मैं मैम बन गई, पर मैं मैम नहीं हूँ। अभी जो निर्मा होती है ना स्माइल करती है, अभी पायल की आवाज़ आ रही होती है। जो निर्मा होती है घर के बाहर देखती है क्योंकि घर के बाहर से ही पायल की आवाज़ आ रही होती है। निर्मा समझ नहीं पाती है कि पायल की आवाज़ कैसी, बाहर कुछ दिख भी नहीं रहा होता है। सामने ना अपनी निशिगंधा खड़ी थी, बट निशिगंधा को कोई देख नहीं पा रहा होता है। निशिगंधा एक पेड़ की तरफ देखती है जो बहुत ही ऊँची थी। अब निशिगंधा ना पलक झपकते हुए उस पेड़ पर बैठ जाती है। निशिगंधा अपने पांव हिला रही होती है जिस वजह से पायल की आवाज़ तो आ ही रही होती है। निशिगंधा कहती है, जब तक मुझे इस घर में कोई बुला नहीं लेता तब तक मैं इस पेड़ में ही रह लूँगी और अपने सोलवे सिंगार पे नज़र रखूँगी। निशिगंधा पेड़ पे मज़े से बैठी हुई थी, हल्का हल्का पाँव हिला रही होती है और गुनगुना भी रही होती है। निशिगंधा मॉक्स को देख रही होती है जो बाहर ऐसे नियति को जगह दिखा रहा होता है। नियति जो मॉक्स कहने पे सारी जगह देख रही होती है। निशिगंधा जो पेड़ पे बैठे बैठे गुनगुनाती है और हल्का सा गाना गाती है। अजनबी हवाएं बेकरारे आएं, तेरे ही सदाएं आ जा। अभी जो ये गाना है ना कोई नहीं सुन पाता है, लाइक कोई भी नहीं, इसलिए निशिगंधा गा रही होती है। अभी जो अपनी नियति होती है ना उसकी नज़र
अचानक से उस पेड़ पे जाती है, लाइक उस पेड़ को देख रही होती है। उसे वो गाना सुनाई दे रहा होता है। अपनी नियति अपने कान पे हाथ रख लेती है और उसे वो गाना सुनाई दे रहा होता है। और निशिगंधा उस गाने को फिर पूरा गाने लगती है, लाइक पूरा सॉन्ग गाती है उसका। नियति सुन रही होती है, अपना जो मॉक्स होता है वो कहता है, नियति 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 फिर होश में आती है और कहती है, हाँ हाँ। अपना मॉक्स कहता है, कहाँ खो गई थी, चलो मैं तुम्हें और सी चीज़ें दिखाता हूँ। अपनी जो नियति होती है ना, फिर हाँ में सर हिलाती है। फिर मॉक्स और नियति बाहर वहाँ पे चले जाते हैं, बट नियति को फिर भी वो गाना सुनाई देता है। लाइक वो अंदर भी चली जाती है, फिर भी उसे वो गाना सुनाई दे रहा होता है जो अपनी निशिगंधा गा रही होती है। पुकारे तन्हा दिल कहानी में ना हमें 12 साल का लीव दिखाया जाता है। एक लड़की जो सबको चाय दे रही होती है और वो बहुत ही स्प्रीट में रहती है। अभी वो लड़की सुखी सिंह के सामने चाय ले जाती है। सुखी उस चाय को पकड़ता है और कहता है, धीरे भी तुम दे सकती हो। वो लड़की कहती है, माफ़ कीजिएगा पर मुझे थोड़ी सी जल्दी है। और ये कहते ही फटाफट सबको चाय वाय दे देती है और एक जगह पे जाती है, गेट खोलती है और फटाफट ना लैपटॉप पे बैठ जाती है। अब पीछे से अपना वहाँ पे विक्रम आता है और कहता है, नियति पहले खाना खाओ फिर और कुछ करना। नियति कहती है, पापा प्लीज़ थोड़ी देर रहने दीजिए मुझे। अपना जो विक्रम होता है नियति का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, खाना खाओ पहले। नियति कहती है, पापा 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 आप जानते हैं ना, वो लेसन अभी स्टार्ट होता है, प्लीज़ 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 वो टीचर मेरे बेस्ट है, उनका लेसन सुनना मुझे बहुत ज़रूरी है। अभी जो अपना विक्रम रहता है वो कहता है, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, पहले ही खाना खा लेती ना। अपनी नियति कहती है, मुझे बहुत सारे काम थे, चाय भी देना था सबको, बहुत काम था मैं आपको बता नहीं सकती, पर प्लीज़ पापा प्लीज़ 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 मुझे देखने दीजिए, वो लेसन मिस हो गया तो मेरी पढ़ाई पर फ़र्क पड़ेगा। अपना जो अब विक्रम है ना, नियति को छोड़ देता है। अभी जो नियति है फटाफट अपना लैपटॉप चालू करती है और वो लैपटॉप में ना ऑनलाइन क्लासेस लेती है। जो एक टीचर है जो बहुत फेमस है, वो सबको ऑनलाइन क्लासेस देता है फ्री में, तो अपनी नियति भी उस क्लास को लेने लगती है। अभी आधे घंटे बाद वो क्लास ख़त्म होती है। अपनी नियति एक बड़ी सी स्माइल करती है और कहती है, आप पापा से जाके सॉरी बोल लूँगी। अभी नियति जैसे ही उठती है, उसके पापा उसे नीचे बैठा देते हैं। उसके पापा के हाथ में थाली थी जिसमें खाना था। अभी उसके पापा उसको बैठा देते हैं और अपने हाथ से खिलाने लगते हैं। अपनी नियति स्माइल करती है। अभी विक्रम कहते हैं, आज के बाद कभी भी क्लासेस लेना उससे पहले खाना खा के बैठना, देखो कितना टाइम हो गया है। नियति कहती है, पापा। विक्रम नियति को और खिला देते हैं और कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं सुनना है, चुपचाप अब खाना खाओ। अब भी अपनी नियति ना खाना चबा रही होती है। अभी अचानक से नियति का फ़ोन बजता है। नियति अपने फ़ोन को देखती है तो मॉक्स का कॉल था। और फिर अपने पापा को देखती है, उसके पापा कहते हैं, जा बंदरिया बात कर ले। अभी नियति ना फटाफट उठती है, मॉक्स का कॉल उठाती है और कहती है, हाँ मॉक्स बोलो। मॉक्स उधर से कहता है, बताओ मेरी जान मैं कहाँ पे हूँ। अपनी नियति कहती है, और कहाँ पे, अमेरिका गए थे ना पढ़ाई के लिए, अमेरिका ही हो। अपना मॉक्स कहता है, नहीं मेरी जान मैं इंडिया आ चुका हूँ। अपनी नियति खुश होती है और कहती है, क्या तुम इंडिया आ चुके हो। अपना मॉक्स कहता है, हाँ मैं इंडिया आ चुका हूँ, अब मैंने सबसे पहले तुम्हें बताया है, अब मैं मम्मी को बताऊँगा फिर घर आ जाऊँगा। नियति खुश होती है और कहती है, ठीक है ठीक है तो मैं तुम्हें लेने आ जाती हूँ। अपना मॉक्स कहता है, जान मुझे देखने के लिए इतने बेताब हो। अपनी नियति थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है, 15 साल के थे तुम जब चले गए थे, अब तुम 15 के थे तो सोचो मैं कितने की होंगी, 13 साल। 13 साल की थी मैं जब तुम चले गए थे, तब से तुम्हें नहीं देखा है, अब देखना तो बनता ही है ना, मेरा बचपन का दोस्त। अपना मॉक्स कहता है, और तुम्हारा होने वाला पति भी, अगर तुमसे इतना रहा नहीं जा रहा तो तुम आ सकती हो मुझे लेने, पर मैं तो निकल चुका हूँ, तो फटाफट आओ ताकि तुम रास्ते में मेरा दीदार कर सको। नियति हंसती है और कहती है, ठीक है अब देखते हैं सबसे पहले कौन आता है, तुम या फिर मैं। अपना मॉक्स कहता है, हाँ
जल्दी आना मेरे जान, जितने जल्दी तुम आओगे उतनी जल्दी हमारी शादी होगी। घर में शादी की तैयारी हो तो रही है ना, क्योंकि मैंने कहा था मैं आते ही सबसे पहले तुमसे शादी करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। नियति हंसती है और कहती है, दूल्हे राजा ही नहीं थे तो तैयारी करके क्या करते, अब दूल्हे राजा आ चुके हैं ना तो अब तैयारी भी हो जाएगी। अभी नियति बात करते करते ही अपने वैन में चढ़ रही होती है। अब नियति वैन में बैठ जाती है और कहती है, ठीक है मैं आ रही हूँ। अपना मॉक्स कहता है, जल्दी आ जाओ, वेट नहीं हो रहा। अभी नियति को ना अचानक से हंसने की आवाज़ आती है। अपनी नियति कहती है, मॉक्स तुम्हारे साथ कोई है क्या? अभी मॉक्स कहता है, नहीं मैं तो अकेला ही हूँ। नियति कहती है, पक्का तुम अकेले ही हो ना? अपना मॉक्स कहता है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? नियति कहती है, ठीक है। अभी नियति ना फ़ोन काट देती है। अभी हमें मॉक्स की कार को दिखाया जाता है जिसके ऊपर निशिगंधा लेटी हुई थी और वो हंस रही थी। निशिगंधा कहती है, 12 साल हो गए, आखिरकार तुम आ गए, अब तुम मेरे बनोगे पति, मेरे 16वें सिंगार। लाल चांद का दिन आने ही वाला है, उससे पहले कुछ भी करके तुम्हें अपना बनाना पड़ेगा। पर खबर क्या आई है मुझे कि तुम किसी और से प्यार करते हो। विस्तर ने जब बताया तो मेरा दिल ही टूट गया, पर क्या कर सकते हैं। अभी एक फ्लैशबैक आता है, निशिगंधा एक पेड़ पे बैठी हुई थी, तभी वहाँ पे एक बिल्ली आती है जो अपना रूप बदल के इंसान में बदल जाती है। अपनी जो निशिगंधा होती है वो कहती है, विस्तर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अपना विस्तर कहता है, मेरी प्यारी चुड़ैल मैं तुम्हें देखने आया था। निशिगंधा कहती है, इतना मत देखो, मेरे से प्यार हो जाएगा और तुम्हें अपना पति बना के मार भी तो नहीं सकती, तो इतनी ताड़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं खूबसूरत हूँ, पर इतना भी मत देखो मुझे। विजधर कहता है, मेरी प्यारी चुड़ैल इस पेड़ पे बैठने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा जो प्यार है वो तो अभी यहाँ पे नहीं है ना। अपनी निशिगंधा कहती है, हाँ पर वो आ तो जाएगा ना, फिर वो मेरा हो जाएगा। अभी अपना विजधर कहता है, मैं अंदर गया था महल के अंदर और मुझे पता लगा है कि नियति नाम की लड़की से मॉक्स की शादी होने वाली है। मॉक्स और नियति प्यार करते हैं, बचपन में ही शादी फिक्स हो गई थी। और तुम जानते हो ना, प्यार करने वालों को जुदा करना बहुत मुश्किल होता है। अभी निशिगंधा का फेस एकदम काम सा हो गया होता है, एकदम शांत। फिर निशिगंधा हल्का सा स्माइल करती है और कहती है, करना मुश्किल होता है पर कर दिया जाता है, मैं भी कर दूंगी उन दोनों को अलग। दिल से प्यार निकालना बहुत मुश्किल होता है, पर मेरे पास वशीकरण की भी शक्ति है। विषधर तुम भूल गए हो क्या? मॉक्स पे वशीकरण करके उसे शादी करके उसे मार दूंगी, इसमें क्या है? कौन सा प्यार करना ज़रूरी होता है, बस शादी करना ही तो ज़रूरी होता है। शादी करके लाल चांद के वक्त उसकी बलि चढ़ा के अपना सिंगार लेके फिर खेल ख़त्म करूँगी। 200 साल का खेल एक दिन में ही ख़त्म कर दूँगी मैं। अभी फ्लैशबैक ख़त्म होता है, निशिगंधा मॉक्स के कार के ऊपर ही लेटी हुई थी। निशिगंधा कहती है, चलो अब थोड़ा अपना जलवा दिखा दिया जाए। और यह कहते ही जो निशिगंधा होती है ना, कार से फटाफट एक मतलब पलक झपकाते ही गायब हो जाती है। अभी हमें नियति को दिखाया जाता है जो एक जगह पे रुकी होती है, क्योंकि महल आने का एक ही रास्ता है, उसे पता था कि मॉक्स वहाँ पे आएगा। नियति के पास ना एक बॉक्स भर के पेपर के प्लेन थे। नियति वहीं पे बैठी हुई थी, अब उसे दिखाई देता है कि एक कार आ रहा है। तो नियति ना एक पेपर का प्लेन लेती है और छोड़ देती है, और वो जो प्लेन होता है सीधा उसी कार पे जाके अटक जाता है। अभी मॉक्स अपनी कार रोकता है, उस पेपर के प्लेन को पकड़ता है और समझ जाता है कि नियति वहीं पे है। मॉक्स को बचपन की बात याद आती है, नियति जो उदास बैठी हुई थी। मॉक्स नियति से पूछता है कि क्या हुआ, तो नियति कहती है कि उसे उसकी माँ की याद आ रही है। तो मॉक्स एक पेपर लाता है, उसमें बोलता है कि तुम्हें अपनी जो भी माँ से बोलना है ना
वो लिख दो इसके ऊपर। और नियति लिख भी देती है तो मॉक्स पेपर का प्लेन बनाता है और उसे उड़ा देता है और कहता है अब ये पेपर प्लेन तुम्हारी माँ के पास चला जाएगा। और ये कहते ही स्माइल करता है। तब से नियति और मॉक्स की आदत हो गई होती है पेपर प्लेन्स बनाने की। इस वजह से मॉक्स समझ जाता है कि ये पेपर प्लेन्स नियति ने ही छोड़े हैं। अभी जो मॉक्स है फिर इधर उधर देखने लगता है, उसे एक दुपट्टा दिखाई देता है जिसके पीछे अपना मॉक्स फिर भागने लगता है। नियति फटाफट एक जगह पे छुप जाती है। मॉक्स फिर इधर उधर चल रहा होता है तभी नियति वापस एक पेपर प्लेन अपने मॉक्स की तरफ फेंकती है। मॉक्स समझ जाता है कि नियति उस तरफ है। अभी वो दोनों यही कर रहे होते हैं एक जगह पे मॉक्स जाके रुक जाता है पेड़ के पीछे नियति छुपी हुई थी। मॉक्स स्माइल करता है और नियति के पास जाने ही वाला था तभी अचानक से ना बिन मौसम के आंधी आने लगता है। लाइक अभी मौसम बहुत शांत था पर बहुत तेज़ तेज़ आंधी आने लगता है। मॉक्स की आंखों में पूरी मिट्टी मिट्टी सी हो गई होती है। अब मॉक्स अभी जैसे ही थोड़ा मौसम शांत होता है तो मॉक्स फिर जाने लगता है। उसे एक दुपट्टा दिखाई देता है जो ऐसे ही लहरा रहा होता है और वो दुपट्टा नियति जैसा ही था। लाइक वो नियति जैसा ही दुपट्टा था अपना। मॉक्स फिर उस दुपट्टे को देख के सोचता है कि वो नियति का दुपट्टा है। थोड़ा आगे जाता है तो उसे पता चलता है कि एक कार से वो दुपट्टा बाहर निकल रहा है और वो कार जलने वाला है। मॉक्स फटाफट उस कार के पास जाता है। कार का गेट खटखटा रहा होता है, लाइक कांच को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। अभी मॉक्स गेट खटखटाता है नियति नियति कह के। अभी वो जो कार के अंदर एक लेडी बैठी थी वो अपना फेस ना टर्न करती है। उसके बाल अंदर से भी थोड़े से उड़ रहे होते हैं। उसके चेहरे पे बहुत ही डर था, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी वो अभी। मॉक्स अब अपना शर्ट खोल देता है और अपने शर्ट को अपने हाथ पे बांध के जो कांच है ना उसको तोड़ देता है। कांच को तोड़ने के बाद अंदर से गेट खोल देता है, लड़की को पकड़ लेता है, लाइक उसे अपने गोद में होल्ड करके आगे तक ले जाता है। वो काफ़ी दूर जाता है फिर वो कार ब्लास्ट हो जाती है। वो लड़की अभी गिरी हुई थी और मॉक्स उसके ऊपर गिरा हुआ था। अभी वो लड़की बहुत गहरी गहरी सांसें ले रही होती है। अभी जो मॉक्स होता है वो उस लड़की से कहता है तुम ठीक हो। वो लड़की मॉक्स को गले लग जाती है और कहती है शुक्रिया शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। मैं बहुत डर गई थी, मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। मॉक्स कहता है अब तुम एकदम ठीक हो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो तुम उठ जाओ। और ये कहते ही मॉक्स उस लड़की को उठा देता है। लड़की है ना मॉक्स को ही देखी जा रही थी। अभी मॉक्स कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ, ध्यान से जाना। और ये कहते ही मॉक्स अपनी नियति को वापस ढूंढने के लिए चला जाता है। वो लड़की मॉक्स का हाथ पकड़ती है और कहती है एक अकेली लड़की को ऐसी जगह पे अकेला छोड़ दोगे क्या। मॉक्स कहता है क्या तुम इस जगह को जानती नहीं हो। वो लड़की ना में सर हिलाती है और कहती है मैं तो अभी अमेरिका से आई हूँ, मुझे नहीं पता इस जगह के बारे में, इसलिए तो मैं भटक गई। अभी मॉक्स जो रहता है ना उस लड़की को ड्रेस को देखता है जो एकदम इंडियन ड्रेस था और उसने बहुत सी ज्वेलरीज भी वेयर कर रखी थी। अभी वो लड़की अपने देखती है कि मॉक्स उसे ऐसे देख रहा है तो वो कहती है अरे मैं इंडिया आई हूँ ना तो इंडियन कल्चर फॉलो करने का सोचा इसलिए मैंने ये सब अटायर कर लिया, वैसे अच्छी लग रही हूँ ना मैं। मॉक्स ना उस लड़की से हाथ छुड़ाता और कहता है हाँ बहुत ही सुंदर है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप जहाँ जाना चाहते हैं मैं आपको छोड़ देता हूँ, पर मुझे भी किसी को ढूंढना है, मुझे अपने होने वाले पत्नी को ढूंढना है। अभी जो लड़की रहती है वो कहती है ओह आपकी शादी होने वाली है। मॉक्स कहता है हाँ मेरी शादी होने वाली है। वो लड़की स्माइल करती है और कहती है वैसे आपकी वाइफ का नाम क्या है। अपना मॉक्स कहता है मेरी वाइफ का नाम नियति है। अपनी जो लड़की रहती है वो कहती है और आपका नाम। मॉक्स कहता है मेरा नाम मॉक्स है। वो लड़की हंसती है और कहती है ये मॉक्स के मॉक्स वाली नियति को चेंज करना चाहती है। अपना मॉक्स एकदम हैरान था। अपनी जो वो लड़की रहती है वो हंसती है और कहती है सॉरी वैसे मेरा नाम निशिगंधा है। वो जो लड़की थी अपनी निशिगंधा थी। निशिगंधा मॉक्स के पास जाती है और कहती है
वैसे नियति मॉक्स की नियति चेंज नहीं कर सकती है, मॉक्स की तो मॉक्स में ले के रहूँगी। और ये कहते ही कान में ना फूक मार देती है। जैसे ही निशिगंधा जब फूक मारती है ना, तो उसके मुंह से कुछ रेड रेड फूक निकलता है जो मॉक्स के अंदर चला जाता है और मॉक्स की आँख रेड हो जाती है। मॉक्स की आँखें वापस नॉर्मल हो जाती है। निशिगंधा कहती है मैं खूबसूरत हूँ। मॉक्स स्माइल करता है और कहता है आप बहुत खूबसूरत हैं, आपसे खूबसूरत लड़की तो मैंने कभी देखी ही नहीं है। निशिगंधा स्माइल करती है और कहती है तुम मेरे से शादी तो नहीं करना चाहते ना। अभी जो जो मॉक्स रहता है वो कहता है हाँ मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। निशिगंधा स्माइल करती है और कहती है तुम्हारी वाइफ का क्या होगा, तुम्हारी तो शादी होने वाली थी ना। मॉक्स कहता है मैं तोड़ दूंगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम कितनी सुंदर हो। और ये कहते ही मॉक्स नियति के सॉरी यार निशिगंधा के करीब चला जाता है। निशिगंधा स्माइल करती है और मन में ही कहती है निशिगंधा के सिंगार की शक्ति से कोई नहीं बच सकता, कितने भी अटूट प्यार क्यों ना हो, मेरे सिंगार के शक्ति के आगे झुक ही जाती है। अभी निशिगंधा ना हंसने लगती है। अभी जो अपनी नियति रहती है वो एक जगह पे खड़ी रहती है, उससे हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। अपनी जो नियति रहती है इधर उधर देखती है और अपने कान को पकड़ती है और कहती है ये कैसी आवाज़ है, ये कैसी आवाज़ है जो बचपन से मेरे कानों में गूंजती है। मॉक्स कहाँ पे है, अभी तो यहीं पे था मॉक्स। और ये कहते ही अपनी जो नियति होती है मॉक्स को ढूंढने लगती है। और मॉक्स को दिखाया जाता है, मॉक्स जो कार चला रहा होता है। अभी मॉक्स की आंखें रेड थी। निशिगंधा कहती है घर जाओगे और कहोगे तुम्हारे साथ ही रहती थी, फिर तुम्हें मेरे से प्यार हो गया और तुम मेरे से शादी करना चाहते हो और उस नियति से शादी नहीं करना चाहते हो, ठीक है मॉक्स। मॉक्स कहता है ठीक है निशि। अपनी निशिगंधा स्माइल करती है और कहती है निशि नहीं, निशिगंधा कहो मुझे। अपना मॉक्स कहता है ठीक है निशिगंधा। निशिगंधा स्माइल करती है और कहती है गुड। मॉक्स की आंखें वापस नॉर्मल हो जाती है। अपनी निशिगंधा कांच के बाहर देखने लगती है और अभी जो कार के ऊपर ना बिल्ली बैठी हुई है जो अपना विषधर है, विषधर अभी बिल्ली वाले के रूप में ही था, वो कहता है वाह मेरी प्यारी चुड़ैल इतने जल्दी काबू कर लिया। अभी जो निशिगंधा होती है मन में ही कहती है ये प्यार वरना सब तमाशा होता है, सच्चा प्यार इतने आसानी से नहीं होता, अगर सच्चा प्यार होता तो अभी ये इतनी मेरी बात नहीं मान रहा होता, ये तो मेरे से शादी करने के लिए तैयार हो गया, ये था इनका सच्चा प्यार। सच्चे प्यार के नाम पे सब तमाशा ही करते हैं वैसेधर, मैंने कहा था ना मेरी खूबसूरती के आगे तो कोई जीत ही नहीं सकता है, और जो मेरी खूबसूरती से जीत गया वो मेरी शक्तियों से नहीं जीत सकता। अब मेरी और मॉक्स की शादी होगी, फिर मॉक्स की बर्बादी होगी और मेरी आबादी। मैं महल का सीन दिखाया जाता है, निर्मा जो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसका बेटा आने वाला था, पूरी तैयारी कर रही होती है लाइक ये बनाना है वो बनाना है। अभी जो निर्मा होती है खुशी मतलब अपने पति के पास जाके कहती है सुखी जी अब शादी की तैयारी कर देनी चाहिए ना, आपने कहा था कि अगर मॉक्स आएगा फिर शादी की तैयारी करेंगे, अब शादी की तैयारी कर देते हैं। नियति और मॉक्स की शादी करवा ही देते हैं। सुखी कहता है हाँ तो तुम करो ना तैयारी, मैं क्यों करूँ, एक छोटी सी लड़की से अपने बेटे की शादी करवाऊँ, अपने महल का नाम बदनाम करूँ अपने ही हाथों, तुम तैयारी करवाओ, मैं नहीं करवाने वाला। निर्मा कहती है आप क्यों भूल जाते हैं सुखी जी, नियति ही वो लड़की है जो मॉक्स की जान बचा सकती है। अपना सुखी कहता है अच्छा ये बात उस पंडित ने कहा था ना, और वो पंडित कहाँ है। अपनी निर्मा अपनी नज़रें नीचे करती है और कहती है मुझे नहीं पता कि अचानक से वो कहाँ गायब हो गए हैं। अपना सुखी कहता है वो भी जानता था कि ये जो ढकोसला है ना वो ज़्यादा साल तक नहीं चला सकता, एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा, इसलिए वो पहले ही भाग गया, हमारी ज़िंदगी खराब करके भाग गया वो। अभी निशिगंधा को दिखाया जाता है जो कार से थोड़ा सा मुंह निकाल के ऐसे ना अपने हाथों को रख के कार के बाहर मुंह निकाल के हवा खा रही होती है। निशिगंधा मन में ही कहती है मेरा रास्ता एकदम साफ है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, एक वो पंडित ही था
अभी निशिगंधा ना स्माइल करती है। अभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो वो पंडित रहता है वो पानी के अंदर नहा रहा होता है और अभी सुबह के 5 बज रहे होते हैं। पंडित अपना पूरा जो सामान होता है वो एक जगह पर रख के मज़े से नहा रहा होता है और वो घर के बाहर था, घर के बाहर एक तालाब है वो उसी के अंदर नहाता है। अभी ना उससे एक पायल की आवाज़ आती है, पंडित पीछे मुड़ता ही है, उससे पहले उसका गर्दन कोई और पकड़ लेता है और कहता है, क्या पंडित जी घर के अंदर नहा लेते ना, घर के बाहर नहा के अपने ये फालतू सा शरीर मुझे दिखा के क्यों परेशान कर रहे हैं। अभी वो लेडी पंडित का गला पकड़ लेती है और उससे हवा में उठा देती है। अभी वो पंडित बहुत ही खांस रहे होते हैं, हाथ छुड़ा रहे होते हैं, कहना चाहते थे कि कौन हो तुम। तभी वो लड़की कहती है, आप ये कहना चाहते हैं ना कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम है निशिगंधा, जिसे हटाने के लिए, भगाने के लिए, मोक्ष से मेरा काला साया हटाने के लिए जो हमेशा हवन कुंड पे बैठे रहते हैं ना, मंत्र वंत्र पढ़ते रहते हैं, मैं वही हूँ। पर देखो ना, इतना मंत्र वंत्र पढ़ा बट क्या फ़ायदा हुआ, मैं तो उसके लाइफ से गई नहीं, इनफैक्ट मैं आपके लाइफ में आके बैठ गई। वैसे ना आपको एक बात बताती हूँ, जब आपको पता चले ना कि कोई चुड़ैल किसी के पीछे पड़ी है और आप उस पे से चुड़ैल हटा रहे हो, तो एक बात का ध्यान देना, कभी भी अपने जनेऊ, अपना वो कुंडन मत हटाना, नहीं तो चुड़ैल तुम्हें मार सकती है, क्योंकि उस पल सबसे बड़े दुश्मन तुम ही होते हो। अभी जो निशिगंधा रहती है ना, पंडित का जो गला है ना तोड़ देती है और उसके शरीर को ना हाथों हाथ राख कर देती है। निशिगंधा इस्तेमाल करती है और कहती है, तुम्हारी आत्मा को मोक्ष कभी ना मिले, क्योंकि मोक्ष तो मुझे मिलने वाला है। और ये कहती निशिगंधा स्माइल करके वहां से चली जाती है। नियति को दिखाया जाता है जो हर जगह मोक्ष को ढूंढ रही होती है, पर मोक्ष उसे कहीं मिलता नहीं है। फिर वो उसी जगह पे जाती है जहाँ पे मोक्ष की कार खड़ी थी। नियति देखती है तो मोक्ष की कार वहाँ पे थी ही नहीं। नियति थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। अभी हमें अपने हवेली का सीन दिखाया जाता है। मोक्ष जो अपने कार से उतरता है, निशिगंधा का जो साइड था वो वाला गेट खोलता है, निशिगंधा का हाथ पकड़ता है और उसे अंदर की तरफ ले जा रहा होता है। निशिगंधा चल रही होती है, उसकी पायल की आवाज़ अभी भी आ रही होती है। निशिगंधा फिर उस पेड़ को देखती है जहाँ पे वो अक्सर बैठा करती थी। अभी जो मोक्ष होता है अपनी माँ को देख कर निशिगंधा का हाथ छोड़ देता है और अंदर जाने लगता है। मोक्ष निर्मा से गले मिलता है और कहता है, मम्मी आप कैसे हो। निर्मा कहती है, मैं ठीक हूँ, कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही नौकरों ने बताया कि कार रुकी है, मैं समझ गई थी कि तू आया है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं नौकर भेजती ना तुझे बुलाने को। वैसे किसकी कार है ये। अपना जो मोक्ष रहता है वो कहता है, जो बाई की जाती है ना एक दिन के लिए, मैंने वही बाई कर ली क्योंकि मैं सरप्राइज देना चाहता था। अपने निर्मा कहती है, पागल कहीं का। अभी धीरे धीरे करके हवेली के वहाँ पे सारे लोग आ जाते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, जो मोक्ष की बहन थी उसकी शादी हो गई है और अब वो अपने ससुराल में रहती है। मोक्ष की चाची की बेटी थी उसकी भी शादी हो गई है और वो भी अपने ससुराल में है। दोनों की शादी बाहर कंट्री में हुई है, जैसे कि लंदन, पेरिस, ऐसे जगह पे उन दोनों की शादी हुई है, तो घर में आना बहुत ही मुश्किल होता है उनका। मतलब घर में उसकी मम्मी पापा और फिर उसके चाचा चाची और चाची की बेटा अपना रोहित। रोहित है ना वो घर के बाहर नहीं आया था, वो भी घर के अंदर ही था। जो चाची थी वो मोक्ष के गाल पे हाथ रखती है और कहती है, वाह मोक्ष बड़े सुंदर हो गए हो तुम। अपना मोक्ष स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू चाची जी। अब मोक्ष के चाचा भी उसको ऐसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं और मोक्ष उनको भी थैंक यू बोलता है। अभी जो निर्मा है उसकी नज़र बाहर निशिगंधा पे जाती है। निशिगंधा जो ऐसे ही खड़ी थी, अभी जो निर्मा रहती है मोक्ष से कहती है, ये कौन है। मोक्ष पीछे देखता है फिर अपनी माँ की तरफ देख के कहता है, ये निशिगंधा है। अब जो सुखी होता है ना वो निशिगंधा को देखने लगता है बड़े ध्यान से। निशिगंधा जो स्माइल कर रही होती है, मोक्ष निशिगंधा से कहता है, निशिगंधा अंदर आओ ना। अभी निशिगंधा अपने मन में कहती है, कैसे आ सकती हूँ, जब तक चुड़ैलों को घर में ले जाया नहीं जाता तब तक वो आ नहीं सकती,
मुझे लेने आओ ना मॉक्स। अभी वो बस ऐसे ही मन में कह रही होती है, जो मॉक्स रहता है वो कहता है निशिगंधा अंदर आओ, बट निशिगंधा खड़ी हुई रहती है, इसलिए मॉक्स निशिगंधा के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कब तक बाहर खड़ी रहोगी, और ये कहते ही निशिगंधा को हाथ पकड़ के अंदर ले आता है। निशिगंधा जैसे ही हवेली के अंदर पांव रखती है, जो आसपास की वायु है ना वो थोड़ी बहुत चेंज होने लगती है। अभी हमें नियति का सीन दिखाया जाता है, जो अपने वैन में थी, वैन चला के घर जा रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जो अपना मोक्ष होगा वो घर पहुंच गया होगा। अभी ना नियति को ना एक अजीब सा एहसास होता है, उसके दिल की धड़कनें थोड़ी सी बढ़ने लगती है। नियति कहती है ये कैसा एहसास है। ये कहानी वापस निशिगंधा पे शिफ्ट होती है, निशिगंधा जो स्माइल कर रही होती है, निर्मा जो निशिगंधा को देख के बोलती है मेरे बेटे को कब से जानती हो। अपनी निशिगंधा कहती है 1 साल हो गए हैं पूरे, है ना मॉक्स। अभी नियति मन में कहती है बोलो 1 साल 1 महीने 13 घंटे। अभी मॉक्स फिर अपनी मम्मी को देखता है और कहता है 1 साल 1 महीना 13 घंटे पूरे के पूरे हो चुके हैं हमारे मिले हुए। अभी चाचा चाची हैरान थे कि वाह एकदम परफेक्ट टाइमिंग याद है। सुखी अब कहता है क्या बात है मॉक्स, कहीं पसंद तो नहीं है ये तुम्हें फ्रेंड से ज़्यादा बढ़ के। अभी जो निर्मा होती है ना सुखी की तरफ देखती है और कहती है अभी क्या कह रहे हैं आप जानते हैं ना। अभी जो अपनी निशिगंधा होती है वो मन में कहती है बोलो मॉक्स कि हाँ तुम मुझे बहुत पसंद करते हो और तुम मेरे से शादी करना चाहते हो। अभी मॉक्स कहता है हाँ पापा मैं निशिगंधा को बहुत पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुन के सुखी स्माइल करता है, चाचा चाची हैरान अपनी निर्मा मॉक्स की तरफ देखती है और कहती है मॉक्स कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम भूल गए हो क्या। मॉक्स कहता है मैं क्या भूल गया हूँ। अभी जो निर्मा होती है मॉक्स को थोड़ा सा साइड में ले जाती है और कहती है मॉक्स ये क्या बातें कर रहे हो तुम, तुम्हारी शादी फिक्स अपनी नियति से हुई है, तुम ऐसे कैसे किसी लड़की को बुला के बोल सकते हो कि तुम उससे प्यार करते हो। निशिगंधा होती है ना उसने अपने एयरिंग पे हाथ रखा होता है और वो उनकी बातें सुन रही होती है। निशिगंधा अमन में कहती है बोलो मॉक्स कि मैं प्यार नहीं करता अब उससे, अब मुझे निशिगंधा पसंद आने लग गई है। अभी जो मॉक्स रहता है वो कहता है अब मैं उससे प्यार नहीं करता, मुझे निशिगंधा पसंद आने लग गई है। निर्मा कहती है ये क्या फालतू की बातें हैं, मैंने तुम्हें परसों ही बात किया था और तुम शादी के लिए बहुत खुश थे। निशिगंधा मन में कहती है बोलो मॉक्स कि निशिगंधा मेरे से नाराज़ हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं नियति से ही शादी कर लूँगा, पर निशिगंधा फिर मेरे से पैचअप कर ली। अभी जो मॉक्स रहता है वो कहता है निशिगंधा मेरे से नाराज़ हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं नियति से ही शादी कर लूँगा, पर निशिगंधा फिर मेरे पास आई और हमने पैचअप कर लिया। अभी जो निर्मा रहती है वो कहती है ये तमाशा है क्या, ब्रेकअप कर लिया पैचअप कर लिया, तुम्हारी शादी उससे फिक्स हो चुकी है। अभी निशिगंधा बोलती है बोलो मॉक्स कि मैं शादी सिर्फ निशिगंधा से ही करूँगा, और गुस्से में थोड़ा मॉक्स अब थोड़ा गुस्से में बोलता है कि मैं शादी सिर्फ निशिगंधा से ही करूँगा। निर्मा हैरान रहती है कि मॉक्स उससे थोड़े से गुस्से में बात कर रहा है। निर्मा कहती है मॉक्स तुम मेरे से गुस्से में बात कर रहे हो। अभी जो अपनी निशिगंधा होती है वो कहती है मॉक्स अपनी माँ को सॉरी बोलो और फिर कहो माफ़ करना माँ पर मैं निशिगंधा से बहुत प्यार करता हूँ, उससे जुदा होने की बात सुन के ही मुझे गुस्सा आ गया, ऐसे ही बोलना। अभी जो मॉक्स होता है ना जैसे निशिगंधा ने बोला होता है वैसे सेम टू सेम बोल देता है। अभी निर्मा को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि मॉक्स को हुआ क्या है। सुखी जो होते हैं ना निशिगंधा को देख के बहुत खुश रहते हैं क्योंकि उससे नियति पसंद नहीं है, वो चाहते ही नहीं थे कि मॉक्स नियति से शादी करें, और निशिगंधा आ गई और मॉक्स ने कहा है कि वो निशिगंधा को पसंद करता है, इसलिए सुखी बहुत सुखी था कि चलो बेटी का बेटे से पीछा छुड़ा, इसलिए सुखी तो बहुत ही ज़्यादा सुखी थे। अभी जो निशिगंधा होती है ना मन में कहती है मॉक्स चलो मेरे पास आ जाओ, बहुत हो गया है, अपने माँ के लाडले मत बनो,
इधर आ जाओ। अभी जो मॉक्स रहता है ना, अभी निशिगंधा के पास जाने लगता है। उसकी माँ रोकती है बट मॉक्स रुकता नहीं है और निशिगंधा के पास जा रहा होता है। अभी अचानक से निशिगंधा के पास से ना एक लड़की गुजरती है जिसके हवा में बाल उड़ रहे होते हैं क्योंकि वो भाग के आई होती है। उसके आते ही निशिगंधा को ना एक अजीब सा एहसास होता है। उसके ऐसा लगता है कि माहौल थोड़ा ठंडा सा हो गया है, लाइक हवा बहुत ही स्लो चल रही है। उसे ऐसा लगता है उस लड़की के अपने पास से गुजरते ही। अभी ना उस लड़की के सिर्फ बाल ही निशिगंधा को दिख रहे होते हैं। वो लड़की मॉक्स का हाथ पकड़ती है और उसे अंदर ले जाने लगती है। निशिगंधा ये देख के आ जाती है कि ये लड़की कहीं ना कहीं नियति है, क्योंकि नियति की ही शादी मॉक्स से होने वाली थी तो नियति ही ये हक जता सकती है। अभी जो बाकियों ने चेहरा देख लिया होता है बट निशिगंधा चेहरा नहीं देख पाई होती है क्योंकि वो इतने फास्ट से जो गई थी अपनी नियति। निर्मा भी नियति का चेहरा देखती है और स्माइल करती है। अभी जो सुखी था वो दुखी हो जाता है नियति को देख के। अभी जो नियति मॉक्स को ले जा रही होती है, मॉक्स कहता है, नियति ये क्या कर रही हो तुम? अपनी नियति कहती है, कहाँ भाग गए थे, मुझे दिखे नहीं ना, अब चलो चुपचाप मेरे साथ। अभी नियति तो मॉक्स को अंदर तक ले जाने लगती है। अपनी जो फिर निशिगंधा है वो एक सैड सा फेस बनाती है और कहती है, अंकल जी वो कौन है? अभी जो निर्मा होती है वो कहती है, वो नियति है, मॉक्स की होने वाली पत्नी। अभी जो निशिगंधा होती है वो एक इनोसेंट सा फेस बनाती है और कहती है, होने वाली पत्नी? सुखी अपनी निर्मा को आंख दिखाता है, फिर अपनी नियति से कहता है, सॉरी निशिगंधा से कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, शादी अभी हुई नहीं है, वो तो कैंसिल भी हो सकती है ना, तुम अंदर चलो। एक काम करो बेटा, तुम अंदर चलो, कब तक बाहर रुकोगी, धूप भी तो आ रहे हैं, चलो तुम अंदर चलो। और ये कहते हैं निशिगंधा को अंदर ले जाने लगते हैं। तो अपनी निशिगंधा है ना, उसने अभी तक नियति का चेहरा ढंग से देखा नहीं है। लाइक जब वो छोटी थी तब तो उसने देखा था, जब बड़ी हो गई ना तब उसने उसका चेहरा एक बार भी नहीं देखा है, तो इसलिए अपनी निशिगंधा नियति को पहचानती नहीं है। वो जो निशिगंधा होती है ना वो घर के अंदर आ रही होती है और जो निर्मा है उससे ना गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो उसने ना हल्के फुल्के फूल लगा रखे हैं हर जगह। सारे के सारे फूल मुरझाने लगते हैं। निशिगंधा एक स्माइल के साथ अंदर आ रही होती है। नियति और मॉक्स को दिखाया जाता है। मॉक्स जो नियति को रोकता है और कहता है, नियति ये कर क्या रही हो तुम, ये कौन सी हरकतें थी, मैं अपनी फैमिली के साथ था ना। अपनी जो नियति होती है वो कहती है, ओके ओके सॉरी सॉरी माफ़ करना मुझे। अभी वो दोनों जहाँ पे खड़े हुए थे ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी जगह थी जिसके अंदर बहुत सारे पानी भरे हुए थे, जिसके अंदर बहुत सारी फिशेस थी। मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल सा अंदर एक फिश पॉट बनाया हुआ था जो ओपन था और जो बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। लाइक हल्के हल्के उसमें कमल के फूल रख दिए थे जो बहुत ही ब्यूटीफुल से लग रहे होते हैं। ये कमल के फूल नकली है यार, रोजाना फ्रेश फ्रेश कौन लाएगा, इसलिए लोगों ने नकली फूल लगाए थे। नियति कहती है, वैसे तुम कहाँ गायब हो गए थे, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, फिर जब तुम्हारी कार नहीं मिली तो मैं सोची कि तुम घर आ गए, और जब मैं घर आई तो मैंने तुम्हारी कार देखी जो वहाँ पे रुकी हुई थी, तो मैं समझ गई कि तुम आए हो और मैं फटाफट तुम्हें यहाँ पे ले आई, मेरे से मिले क्यों नहीं? वैसे शादी की तो बहुत जल्दी हो रही थी तुम्हें और अब तुम मेरे से मिले भी नहीं, ऐसा क्यों? और यह कहते ही जो अपनी नियति होती है वो अपने मॉक्स के गर्दन पे हाथ रख लेती है, अपना दोनों हाथ वहाँ पे फैला देती है। अपना मॉक्स फिर कहता है, नियति मेरे से दूर हो तुम। नियति कहती है, ओहो ऐसा क्यों, तुमने मुझे एक बार कहा था कि मैं तुम्हें बहुत टाइट हग करना चाहता हूँ, अब जब मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ तो तुम कह रहे हो कि दूर हो जाओ, वैसे हम होने वाले हस्बैंड वाइफ है तो इतना टेंशन क्यों लेते हो तुम? अपना जो मॉक्स रहता है वो कहता है, हस्बैंड और वाइफ मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ। अपनी नियति कहती है, तो मेरे से नहीं तो किससे शादी करोगे, तुम इतने भोंदी हो कि तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। और ये कहते ही नियति हंसती है क्योंकि नियति को लगता है कि मॉक्स बस मजाक कर रहा है। मॉक्स कहता है, नियति हाथ हटाओ, और ये कहते ही अपना हाथ उसके मतलब उसका हाथ अपने शोल्डर से हटा देता है। नियति थोड़े से डर जाती है क्योंकि मॉक्स ने गुस्से में बोला था। अपनी नियति कहती है, तुम गुस्सा क्यों हो मॉक्स, तुम ही तो चाहते थे कि मैं तुमसे ऐसे फ्लर्ट करके बातें करूं। मॉक्स कहता है, हाँ पर मैं अब नहीं चाहता, मेरी शादी निशिगंधा से होने वाली है। ये बात सुन के नियति कहती है, निशिगंधा
ये कौन है? मॉक्स तुम मजाक कर रहे हो ना? आर्य कहते ही मॉक्स का गाल पकड़ लेती है। अपना जो मॉक्स रहता है वो नियति का हाथ हटाता है और कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे उससे प्यार हो चुका है। अपनी नियति कहती है, प्यार हो गया? आधे घंटे पहले तुम मेरे से प्यार वाली बातें कर रहे थे और तुम कह रहे हो कि तुम्हें निसी गंदा से प्यार हो गया? सच्ची में? मॉक्स कहता है, अब हो गया तो हो गया, मैं इसका क्या कर सकता हूँ, बट मैं निसी गंदा से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं, और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अपनी जो नियति होती है वो अपने सर पे हाथ रखती है, फिर मॉक्स के गाल पे हाथ रखती है और कहती है, मॉक्स तुम मजाक कर रहे हो ना? ये गंदा मजाक मत करो, तुम्हें पता है ना मैं थोड़ी सीरियस टाइप की लड़की हूँ, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं, तो प्लीज़ मेरे साथ ऐसे मजाक मत करो। मॉक्स कहता है, दूर हो जाओ नियति, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। बट नियति मॉक्स को छोड़ नहीं रही होती और उसे हक कर लेती है और कहती है, मॉक्स ऐसी मजाक मत करो मेरे साथ, तुम मेरे से शादी करने वाले थे ना, बाबा कितने खुश थे कि तुम मेरे से शादी करने वाले हो, ऐसी मजाक मत करो, बाबा उदास हो जाएंगे। अभी जो मॉक्स रहता है वो कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और ये कहते ही अपने जो नियति है उसको हटाने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो हटा नहीं पाता है और इस छीना झपटी में, लाइक एक दूसरे को अलग करने के चक्कर में, वो दोनों उस पानी के अंदर गिर जाते हैं। जो मॉक्स होता है ना वो उठता है और कहता है, ये क्या हरकत है नियति, पागल हो क्या तुम? और ये कहते ही पानी में से उठ जाता है और नियति को उठाता भी नहीं है। नियति खुद पानी से उठती है और कहती है, मतलब तुम मजाक नहीं कर रहे हो, वैसे ये निशिकंदा है कौन? अभी नियति की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। अभी पीछे से एक आवाज़ आती है जो कहती है, मैं हूँ निशिगंधा। और अभी ना निशिगंधा अपनी नियति के पीछे खड़ी थी। अभी जो निशिगंधा होती है अब आगे आने लगती है और उसकी पायल की आवाज़ आ रही होती है। अभी जो नियति होती है ना एकदम साइलेंट सी हो जाती है वो वॉइस सुन के। अभी जो अपनी निशिगंधा होती है वो मॉक्स के पास जाके खड़ी होती है एंड वो अभी भी नियति को ढंग से देख नहीं रही होती है। अभी जो अपनी निशिगंधा होती है अपनी फेस ऊपर करती है, नियति को देखती है तो वो एक मिनट के लिए स्टक हो जाती है। अभी निशिगंधा ना नियति की आंखों के आंसू देख रही होती है जो उसकी गिर रही होती है और उसके होठ के पास वाला तेल अभी एक आवाज़ सुनाई देती है निशिगंधा को, सिर्फ जो निशिगंधा की ही रहती है वो किसी से कही होती है एक बार, तुम रो मत, जब तुम रोती हो तो अच्छी नहीं लगती हो। अब जो निशिगंधा होती है ना उसकी हाथ धीरे धीरे उठ रही होती है, नियति के पास जा रही होती है, वो उसके आंसू साफ करने लगती है। नियति एकदम हैरान थी कि ये लड़की मेरी आंसू क्यों साफ कर रही है। अभी पीछे से निर्मा आती है जो कहती है, ये क्या चल रहा है? निर्मा की आवाज़ सुन के निशिगंधा होश में आती है और कहती है, तुम रो मत, जो होना था वो हो गया ना, अब मॉक्स मेरे से प्यार करता है तब कर ही क्या सकते हैं, अगर मुझे पहले पता रहता कि मॉक्स तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी शादी होने वाली है, तो मैं कभी उसके लाइफ में नहीं आती, पर मॉक्स ने मुझे कभी बताया ही नहीं, मेरी क्या गलती, अब मैं भी मॉक्स से प्यार करने लगी हूँ, मैं उससे दूर नहीं जा सकती। अभी ना निशिगंधा रोने की बहुत गंदी एक्टिंग कर रही होती है। अभी जो निशिगंधा होती है मॉक्स की तरफ देखती है और कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं मॉक्स कि तुम्हारी किसी से शादी फिक्स हो चुकी है, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? निशिगंधा अब मन में बोलती है कि मॉक्स बोलो कि मैं डरता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी, मुझे छोड़ दोगी और थोड़ा सा ना रो लेना। अभी जो मॉक्स होता है वो थोड़ा सा रोता है और कहता है, निशिगंधा मैं डरता था कि तुम मेरे से प्यार नहीं करोगी, मुझे छोड़ दोगी। अपनी निशिगंधा मॉक्स से बोलती है, छोड़ दूंगी पर धोखे में रखना भी तो गलत बात था ना, अब देखो मैंने एक लड़की से उसका प्यार छीन लिया, कितना बुरा लगता है किसी से किसी का प्यार छीनना मॉक्स। अभी जो निशिगंधा होती है वो मन में बोलती है, बोलो मॉक्स कि तुमने उससे प्यार नहीं छीना है, मैं तो कभी उससे प्यार करता ही नहीं था, वो तो बस अट्रैक्शन थी, मैं तो हमेशा से तुमसे ही प्यार करता हूँ, और प्यार से मेरे गाल पे हाथ रखो और मेरे करीब आओ। अभी जो मॉक्स रहता है ना वो निशिगंधा के गाल पे हाथ रखता है, उसके करीब आता है और कहता है, तुमने किसी से किसी का प्यार नहीं छीना है, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, नियति से तो बस अट्रैक्शन था, मैं सच्चा प्यार तुमसे करता हूँ। निर्मा ये जो देख रही होती है और उसे हल्का गुस्सा आ रहा होता है। अभी जो खुशी और चाचा चाची दोनों आगे होते हैं और वो बहुत खुश रहते हैं, खुशी खुश है और चाचा चाची को तो मस्त नया तमाशा देखने को मिल गया है। अभी जो अपनी निशिगंधा होती है वो कहती है, मैं किसी से किसी का प्यार नहीं छीन रही ना,
पक्का ना? मॉक्स हाँ कहता है। निशिगंधा अब गले लगा लेती है मॉक्स को। अभी जो नियति होती है वो ये देख के बहुत टूट जाती है। अपनी नियति कहती है, मतलब तुम मेरे से प्यार नहीं करते ना मॉक्स? अभी निशिगंधा बोलती है, बोलो मॉक्स। कि नहीं करता प्यार, बिल्कुल नहीं करता, माफ़ करना, पर हम दोनों के बीच में जो था वो सिर्फ अट्रैक्शन था। बोलो बोलो, जल्दी बोलो और थोड़ा सा रूड वे में बोलना, ठीक है? अभी जो ये निशिगंधा होती है तो मन में ये बोली होती है। मॉक्स सेम टू सेम रूड वे में नियति को बोल देता है। अभी नियति कहती है, सच्ची में नहीं करते? अभी जो खुशी होता है वो कहता है, 10 बार पूछोगी क्या? मेरे बेटे ने कह रखा है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, तो क्यों उसके गले पड़ी हुई हो? अभी जो अपनी निर्मा होती है वो सुखी को देखती है। सुखी निर्मा को देखता है और कहता है, आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है, अभी वो नहीं करता प्यार। तो कैसे बोलते वो प्यार करता है? मॉक्स बेटा, तुम जिससे चाहोगे मैं उससे ही तुम्हारी शादी करवाऊंगा, तुम टेंशन मत करो। जो नियति होती है ना, एक मुट्ठी बनाती है, लाइक वो अपने हाथों को बहुत कस के बंद कर लेती है और मॉक्स से कहती है, ठीक है मॉक्स, शुक्रिया मेरे साथ टाइम पास करने के लिए। और ये कहते ही स्माइल करके जाने लगती है। जो अपनी निर्मा होती है वो अपने नियति के पास जाने लगती है। अभी जो सुखी होता है ये देख के गुस्सा होता है और अपने निशिगंधा के पास जाता है और कहता है, बेटा तुम रो मत, तुम चाहती हो ना मेरे मॉक्स बेटा को, तो मैं तुम्हारी शादी उससे ही करवाऊँगा। अभी निशिगंधा स्माइल करती है और कहती है, मुझे सच्ची में नहीं पता था कि वो लड़की नियति मॉक्स की होने वाली फियांसे है। पता रहता तो मैं कभी भी मॉक्स के लाइफ में नहीं आती पापा जी। अभी सुखी कहता है, क्या कहा? अपने निशिगंधा कहती है, पापा जी, क्या मैं आपको पापा जी नहीं कह सकती? सुखी कहता है, अरे बेटा रो मत, तुम मुझे पापा जी कह सकती हो ना, तो मुझे ससुर जी कहोगी तो और अच्छा लगेगा। अपनी निशिगंधा हल्की सी स्माइल करती है और कहती है, ससुर जी। अपना सुखी स्माइल करता है और कहता है, ठीक है बेटा जाओ तुम आराम करो। सुखी ना चाची को बोलता है कि निशिगंधा को गेस्ट रूम दिखा दे और चाची निशिगंधा को लेके गेस्ट रूम चली जाती है और निशिगंधा स्माइल करके जा रही होती है। अभी हमें अपनी निर्मा को दिखाया जाता है जो नियति का हाथ पकड़ती है और कहती है, नियति बेटा। जो नियति होती है वो रुक जाती है, अपनी निर्मा को देखती है और कहती है, हाँ मैम। अपनी जो नियति होती है वो अपनी निर्मा को मैम ही कह के बोलती है। निर्मा कहती है, कितनी बार कहा है कि मम्मी जी बोला करो। अपनी नियति कहती है, मैंने भी तो कहा था कि जब मेरी और मॉक्स की शादी हो जाएगी तब मैं आपको मम्मी जी कहूँगी, अब शादी नहीं हो सकती, अब आपको मेरे मुँह से हमेशा मैम ही सुनना पड़ेगा। अपनी निर्मा कहती है, मुझे नहीं पता था कि ये कैसे हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा। 5 दिन पहले मॉक्स का मेरे पास कॉल आया था, वो तुम दोनों की शादी की बात कर रहा था, अचानक से निशिगंधा कहाँ से आ गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। अभी जो नियति होती है वो कहती है, लाइफ में सब कुछ अचानक से ही होता है, मेरी माँ को भी अचानक से ही मार दिया गया था, मुझे ये अचानक वाली चीज़ों की आदत है। अपनी निर्मा कहती है, बेटा तुम रो मत। निर्मा कहती है, नहीं मैं एकदम ठीक हूँ मैम, बस मुझे मेरे पापा के लिए दुख हो रहा है, पापा ने बहुत सारे सपने सजाए थे, पता है शादी के लिए कितने सारे सामान लाए थे, सारे सपने टूट गए, सारे अरमान टूट गए। अभी ना नियति हल्की हल्की रो रही होती है। नियति कहती है, मैम मुझे प्लीज़ अभी जाने दीजिए, प्लीज़। अभी जो वो निर्मा रहती है वो नियति को जाने देती है। अभी नियति ना अपने कमरे में चली जाती है, गेट नॉक करके बहुत ही रोती है। अभी हमें निशिगंधा को दिखाया जाता है जो विंडो के बाहर देख रही होती है और वो कहती है, बस बाल और तिल मैचिंग है और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। अभी ना अचानक से जो विंडो के ऊपर ना एक बिल्ली आके बैठती है। अपनी जो निशिगंधा रहती है वो स्माइल करती है और कहती है, विस्तर क्या कहा था, प्यार बहुत ही पावरफुल होता है, दो प्रेमी को अलग करना मुश्किल होता है, यहाँ पे तो कितना आसान था। अभी जो वो बिल्ली रहता है वो अपना निस्तर रहता है, निस्तर इंसान वाला रूप लेता है और कहता है, हाँ मेरी प्यारी चुड़ैल, जो तुम कहती हो वैसा ही होता है। अपनी जो निशिगंधा होती है वो कहती है, 200 सालों से जी रही हूँ, इतना तो पता ही है मुझे, प्यार कितना भी अटूट क्यों ना हो पर अगर उन्हें अलग होना हो तो वो हो ही जाते हैं।
वैसे सब कुछ बहुत आसान था। वो बुढ़िया मुझे पसंद नहीं करती, पर वो बुढ़ा मुझे बहुत पसंद करता है। और वो दोनों मुने, उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बाकी जो थे वो तो अपने ससुराल ही चले गए हैं। एक लड़का है जो अभी तक मुझे दिखा ही नहीं। दोस्तों मेरे पूरे वशीकरण में है, और नियति को देख के लगता है कि वो बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट रखती है, इसलिए एक बार मैं कह के चली गई कि धन्यवाद मेरे जिंदगी के साथ खेलने के लिए, मेरे साथ टाइम पास करने के लिए। जो निर्दर होता है वो कहता है, मेरी प्यारी चुड़ैल, दूसरों का मजाक कैसे बनाया जाता है तुमसे सीखना चाहिए। निजी गंदा कहती है, मजाक क्यों ना बनाओ, प्यार 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 नारे लगाते रहते थे ना तुम, कि प्यार है इन दोनों के बीच में, अटूट है इनका प्यार, शादी होने वाली है, एक मिनट में अटूट प्यार टूट गया, आधे घंटे में टूट गया यार। आधे घंटे पहले वो उससे प्यार की बातें कर रहा होगा, और अब वो मेरे से प्यार की बातें करेगा, वो चाहे तो मेरे चरणों में गिर जाए। बिजदर कहता है, हाँ मेरी प्यारी छुड़ैल, तुमसे जितना मुश्किल है अपनी, निशिगंधा कहती है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। नियति को दिखाया जाता है जो स्टडी कर रही होती है। अभी वहाँ पे विक्रम आता है जो नियति को गले लगाता है और कहता है, मेरी बंदरिया, मुझे पता चला। अपनी जो नियति होती है वो कहती है, क्यों रो रहे हैं पापा, वो मेरे से प्यार नहीं करता तो नहीं करता, बस रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे खुद के दम पे खड़े होना था, बस मैं एक बंधन से बंधी हुई थी जो मैंने बचपन में निर्मा मैम से किया था, कि मैं मोक्ष का हमेशा ख्याल रखूंगी, उसके जीवन में कभी भी कोई मुश्किल नहीं आने दूंगी, और अगर मुश्किल आएगी तो सबसे पहले मुझसे टकरानी पड़ेगी। अब तो उसके पास निशिगंधा है, अब वो उससे लड़ेगी, उन सारे मुसीबतों से वो लड़ेगी, और मैं अपने एग्ज़ाम से लड़ूंगी। मुझे तो पढ़ाई का टाइम मिल गया बाबा, अब देखना ना, मैं बहुत अच्छी सी जॉब करूंगी, फिर एक बहुत प्यारे जगह पे एक बहुत बड़ा सा घर खरीदूंगी, और हम दोनों फिर मजे करेंगे। अभी जब ना विक्रम रहता है, वो अपनी बेटी की तरफ देख रहा होता है, उसे पता है कि उसकी बेटी बहुत स्ट्रांग है, वो रोएगी भी तो दिखाएगी नहीं सबके सामने, इसलिए ना विक्रम अपनी नियति को गले लगाता है और कहता है, मेरी बंदरिया। अभी नियति के फेस तो उसके पापा को दिख नहीं रहा था, इस वजह से वो हल्का सा रोती है, एकदम हल्का सा। फिर अपने आंसू साफ करती है और कहती है, ठीक है पापा, मुझे जल्दी से ना पढ़ाई करने दीजिए, नहीं तो फिर मुझे खाना बनाना पड़ेगा, महल वालों के लिए काम करना पड़ेगा, बहुत काम है मेरे पास, मुझे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, तो मैं फटाफट स्टडी कर लेती हूँ। और ये कहते ही निशिगंधा वापस अपनी स्टडी करने लगती है। विक्रम कुछ नहीं बोल पाता है, ना ही नियति के सामने बोल पाता है, ना ही उन महल वालों के सामने। घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, निशिगंधा मोक्ष जो साथ में बैठे हुए थे, निर्मा जो अपने पति के साथ बैठी थी, और चाचा चाची भी वहाँ पे थे। अभी ना अपनी निर्मा को अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि मोक्ष और निशिगंधा को ज़्यादा ही पास में बैठे हुए थे। सुखी को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी जब अपनी नियति होती है ना, वो चाय लेके आई होती है, अब सबको एक एक करके चाय देने लगती है, और वो निशिगंधा को भी चाय देती है। निशिगंधा स्माइल करती है और कहती है, शुक्रिया तुमने मुझे चाय दिया। नियति कहती है, मैंने यहाँ पे सबको चाय दिया है, तो तुम्हें शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। निशिगंधा स्माइल करती है और कहती है, ये भी है, पर शुक्रिया बोलना बहुत अच्छी बात है। ना नियति कुछ नहीं कहती है, स्माइल ही कर देती है। नियति अब जाने वाली थी, तभी उस घर का बेटा रोहित वहाँ पे आता है, जो कहता है, मम्मी आप ऊपर क्यों नहीं थे, मुझे कितना डर लग रहा था, मुझे सुबह से डर लग रहा है, मम्मी आप क्यों नहीं थे ऊपर। अभी जो रोहित होता है ना, वो नीचे आता है, वो अपनी नियति को देखता है और कहता है, नियति, और ये कह के ना हाथ वेव करता है बच्चों की तरह। अभी जो रोहित होता है ना, वो ऐसे थोड़ा सा ना बड़े बड़े जंप लेके आ रहा होता है, हाथ हिला हिला के, जिस वजह से वो थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। वो जब नीचे गिरता है तो वो सीधा अपने निशिगंधा के पाँव के साइड गिरा होता है। निशिगंधा उसे उठाती है और कहती है, तुम ठीक हो? और अपना जो रोहित होता है, वो निशिगंधा को देख के कहने वाला था कि मैं एकदम ठीक हूँ, पर वो जैसे ही निशिगंधा को देखता है डर जाता है और कहता है, चुड़ैल चुप चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, और ये कहते ही उठ जाता है, नियति के पीछे चला जाता है, और निशिगंधा को देख के बोल रहा होता है, चुप चुड़ैल, ये चुड़ैल को बाहर निकालो, चुड़ैल 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 चुप चुड़ैल आ गई, नहीं नियति चुड़ैल चुड़ैल को बाहर निकालो, नियति नियति। अभी जो रोहित होता है पागल जैसा कर रहा होता है,
अपनी जो नियति होती है वो कहती है, नहीं होते हैं भाई साहब, वो देखो वो कहाँ से चुड़ैल लग रही है, कितनी खूबसूरत है वो, जरा ध्यान से देखिए कितनी सुंदर है। और ये कहते ही रोहित को निशिगंधा को दिखाने लगती है। रोहित देखना नहीं चाहता था बट निशिगंधा जिद करने लगती है। रोहित हल्का सा देखता है फिर रोते हुए कहता है, नहीं नहीं नियति, ये चुड़ैल है, चुड़ैल है, ये मुझे मारने आई है, ये मुझे मारने आई है, ये कब से मेरे पीछे थी, ये मुझे मारने आई है, ये चुड़ैल है, ये चुड़ैल है नियति। अभी जो मॉक्स होता है उठता है और कहता है, नियति इसको कमरे में ले जाओ। और चाची की तरफ देखता है और कहता है, आप इसे संभाल नहीं सकते हैं क्या? अब चाची घबरा के उठती है, अपने बेटे को पकड़ती है और कहती है, माफ़ कीजिएगा। और ये कहते ही ना अपने रोहित को ऊपर ले जाने लगती है। रोहित कहता है, मम्मी मम्मी ये लड़की चुड़ैल है, इसे घर से बाहर निकाल दो, ये मुझे मार डालेगी, ये मुझे मार डालेगी, ये चुड़ैल है, ये चुड़ैल है, ये मुझे मार डालेगी, इसको बाहर निकालो, ये मुझे मारना चाहती है। अब जो अपनी निशिगंधा होती है ना, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, उसके नेल्स बड़े हो रहे होते हैं, उसने अपने हाथ को ना पीछे कर रखा होता है। अभी जो नियति होती है वो रोहित के पास जाती है और उसे ऊपर ले जाने लगती है। वो उसकी मम्मी से कहती है, लाइक चाची जी से कहती है, मैं उसे ऊपर ले जाती हूँ। अभी उसकी माँ ना हाँ में सर हिलाती है। अभी नियति जो होती है अपने रोहित को ऊपर ले जाने लगती है। अभी निशिगंधा एक बहुत गुस्से में तो थी बट सुखी कहता है, माफ़ करना बेटी, रोहित पागल है, बचपन में एक बार वो कहीं गया था, फिर वो जब से आया है तब से चुड़ैल का रट्टा लगा रखा है कि उसने चुड़ैल देखा है, मुझे माफ़ करना। निशिगंधा कहती है, कोई बात नहीं, पर क्या मैं सच्ची में चुड़ैल की तरह दिखती हूँ? और वो मॉक्स की तरफ देखती है। मॉक्स उठता है और कहता है, नहीं निशिगंधा, तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत लड़की हो। निशिगंधा एक पाउट सा फेस बनाती है और कहती है, मैं सच्ची में चुड़ैल नहीं हूँ ना। कहता है, बिल्कुल चुड़ैल नहीं हो तुम, बस रोहित की दिमाग थोड़ी सी खराब है, वो सही हो जाएगा, जब सही होगा तो देखना वो खुद कहेगा कि निशिगंधा दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में से है। अभी निशिगंधा स्माइल करती है और कहती है, थैंक यू मॉक्स, और ये कहते ही बैठ जाती है। अभी हमें नियति को दिखाया जाता है जो मॉक्स को संभाल रही होती है। मॉक्स कहता है, नियति नियति चुड़ैल को बाहर निकाल दो, वो बाहर निकाल दो, वो मुझे 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 मार डालेगी, मुझे मार डालेगी। अभी जो नियति होती है वो रोहित को ऐसे ना काम कर रही होती है और कह रही होती है, रोहित भाई साहब चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होते हैं, ये आपके मन का वहम है। रोहित कहता है, नहीं नियति नहीं, मैंने उसे बचपन में देखा था, मैंने उसको देखा था, उसके ना उल्टे 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 पाँव थे, ऐसे ऐसे पाँव थे, उसके नाखून बहुत बड़े थे, बहुत ज़्यादा बड़े, वो हवा में उड़ रही थी, फिर वो नीचे आई और एक इंसान को ना ऐसे गला पकड़ा, वो जल के वहीं पे मर गया, वो वहीं पे मर गया। नियति उसने मुझे उस समय देख लिया था, फिर वो तब से मेरे पीछे है, वो मुझे मारना चाहती है। नियति प्लीज़ मुझे बचा लो, नियति वो मुझे मारना चाहती है। नियति अभी क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा होता है। अभी जो रोहित ने नियति को बहुत टाइट हक करके रखा होता है, नियति कहती है, भाई साहब नहीं मारना चाहती, वो चुड़ैल नहीं है, और अगर वो आपको मारना चाहती है ना तो उसको सबसे पहले मेरे से लड़ना पड़ेगा, और मैं अपने प्यारे से रोहित भाई साहब को नहीं मरने दूंगी, ये मेरा वादा है। अभी रोहित भाई साहब जो अपना रोहित होता है वो कहता है, अगर ना वो चुड़ैल जब आएगी तो तुम मेरी रक्षा करोगे ना? अपनी जो नियति होती है कहती है, क्यों नहीं करूँगी, मैं ज़रूर करूँगी, आप मेरे दोस्त हैं, आपकी रक्षा तो करना मेरा फर्ज बनता है। अभी जो अपना रोहित होता है वो कहता है, तुम बहुत अच्छी हो नियति, बहुत ज़्यादा अच्छी हो, और ये कहते हैं ना उसके गोद में अपना सर रख के सो जाता है। अभी नियति रोहित के सर पे हाथ फेर रही होती है और कहती है, अब आप सो जाइए भाई साहब, सो जाइए, कोई भी आया तो मैं उसे मार डालूँगी, आपको कुछ नहीं होने दूँगी, ये नियति गुप्ता का वादा है। अभी जो ये सब सीन है ना, अपनी निशिगंधा बाहर विंडो के थ्रू देख रही होती है। अपनी निशिगंधा मन में कहती है, नियति 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 तुमने क्या कहा, तुम मुझे मारोगे, अगर मैं उसे मारने आई तो तुम्हारी नियति तो मैं ही बदलूंगी। और क्या कहा था तुमने, नियति गुप्ता का वादा है कि तुम उसे कुछ नहीं होने दोगी,
नियति गुप्ता में तुम्हें कुत्ता बना के ना छोड़ी तो मेरा नाम भी निशिगंधा नहीं। अभी निशिगंधा ना स्माइल करती है, फिर वहाँ से जाने लगती है। और हाँ, मैं बीच में ही बोल रही हूँ, सॉरी गाइस, लाइक गुप्ता एक सरनेम है, मैं उसकी बेइज्जती उड़ा रही हूँ इसमें, बट निशिगंधा का कैरेक्टर ही ऐसा है। बट मैं दिल से सारे सरनेम की इज्जत करती हूँ, मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहती, बस ये स्टोरी है इसमें लेम जोक मारना जरूरी है इसलिए मैं मार रही हूँ। आई एम रियली सॉरी गाइस अगर किसी को बुरा लगा हो, आई एम रियली रियली सॉरी, बट ये स्टोरी है बस, तो मैं वापस से सॉरी बोलना चाहूँगी और मैं कहानी स्टार्ट करना चाहूँगी। अभी हमें नियति को दिखाया जाता है जो अपने घर आई होती है, लाइक जो महल के पास में ही एक घर होता है जिसके अंदर किचन कमरे सब होते हैं, लाइक किचन के साथ ही एक कमरा अटैच है और बाहर लेटरिन वॉशरूम है। नियति जैसे ही अंदर आती है तो अपना विक्रम कहता है, इतना लेट क्यों हो गया? अपनी जो नियति होती है वो कहती है, माफ़ कीजिएगा पापा, पर जो अपने रोहित भाई साथ है ना, वो निशिगंधा को देख के चुड़ैल चुड़ैल बोलने लगे, उनको फिर से पैनिक अटैक आने लगा, तो मैं उनके साथ ही थी, उनको शांत करवा रही थी। अपना जो विक्रम होता है वो कहता है, वो लड़की है ही चुड़ैल। अपनी जो नियति होती है वो अपने आईब्रो ऊपर करती है और कहती है, पापा किसी को चुड़ैल बोलना बहुत गलत बात है। अपना विक्रम बोलता है, मेरी बेटी का स्वाहा खा रही है तो चुड़ैल ही हुई ना। अपनी जो नियति होती है वो कहती है, कौन सा मेरा मॉक्स पे नाम लिखा हुआ था, मेरा नाम थोड़ा लिखा था, अरे किस कौन सी मेरी शादी हो गई थी, सगाई भी तो नहीं हुई थी, तो निशिगंधा को चुड़ैल बोलना बंद करो, वो सुंदर है वैसे। अपना जो विक्रम रहता है वो कहता है, तुझे सच्ची में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तेरा प्रेम खा रही है एक तरीके से। अपनी जो नियति होती है अब वो शांत हो जाती है और कहती है, पापा मैं खाना बनाने जा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगा है, और ये कहते ही किचन में चली जाती है। अपना जो विक्रम होता है ना वो अब कुछ नहीं कह पाता है। अभी हमें 11 बजे का सीन दिखाया जाता है, जो अपनी नियति होती है ना वो अपने रोहित के कमरे के पास आ रही होती है, तभी वो ध्यान देती है कि सामने निशिगंधा खड़ी है जो रोहित के कमरे में जाने वाली थी। अपनी अब नियति फटाफट वहाँ पे आती है, निशिगंधा का हाथ पकड़ती है और कहती है, अब इतने रात को विक्रम बाईसा के कमरे के बाहर क्या कर रहे हैं? अभी जो निशिगंधा होती है नियति के हाथ को देख रही होती है, जिस हाथ से उसने अपना उसका हाथ पकड़ रखा था। अभी निशिगंधा नियति को देखती है और कहती है, मेरा हाथ छोड़ो। फिर निशिगंधा का हाथ छोड़ती है और कहती है, आपने बताया नहीं कि आप इतनी रात को बैसा के कमरे के पास कर क्या रहे हैं? अपनी निशिगंधा कहती है, दोस्ती करने आई थी, उनको गलत फहमी हो गई थी ना कि मैं चुड़ैल हूँ, ये दूर करने आई थी। वैसे आप इतनी रात को क्या कर रहे हैं? एक महिला नौकर का अपने मालिक के कमरे में इतने रात को जाना अच्छी बात नहीं होती ना। अपनी नियति स्माइल करती है और कहती है, मैं नौकर हूँ, मेरा काम ही है अपने मालिक की सेवा करना, पर आप तो मालकिन है ना, नई नवेली दुल्हन होने वाले हैं यहाँ के, तो आप मोक्ष के कमरे में जाइए, रवि बायसा के कमरे में नहीं, नहीं तो विवाद हो जाएगा, शक होने लगेगा कि कहीं घर की नई बहू घर के दूसरे लड़के पे भी तो डोरे नहीं डाल रही है ना। अपनी निशिगंधा हंसती है और कहती है, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम सो रही हो नियति, तुम्हें दुख हो रहा है ना कि मोक्ष ने मुझे अपनाया और तुम्हें नहीं। अपनी जो नियति होती है वो कहती है, इसी बात का तो दुख है कि मुझे दुख नहीं हो रहा, पता नहीं मुझे क्यों दुख नहीं हो रहा कि मोक्ष मेरे से दूर जा रहा है, अजीब बात है ना, पर मुझे सच्ची में दुख नहीं हो रहा, तो आप और मोक्ष खुश रहिए, मैं तो भगवान से दुआ करूंगी कि आपकी जोड़ी सदा सदा सलामत रहे। जो निशिगंधा होती है ना अपने फेस को थोड़ा सा टेढ़ा रखी होती है, निशिगंधा कहती है, दुआ करने की ज़रूरत नहीं है, जोड़ी सलामत नहीं रहेगी। अपनी नियति कहती है, क्या मतलब? निशिगंधा कहती है, शुभ रात्रि, सो जाना, नहीं तो तुम्हारा सुंदर चेहरा खराब हो जाएगा। और ये कहते ही जो अपनी नियति होती है नियति का बाल एक साइड में कर देती है और जाने लगती है। अभी अपने नियति को समझ में नहीं आता है कि निशिगंधा का कहने का क्या मतलब था, पर वो विक्रम भाईसा के कमरे में चली जाती है। नियति अपने रोहित के पास जाती है और कहती है, रोहित भाईसा उठ जाइए, आपने खाना नहीं खाया था ना, चलिए मैं आपको खाना खिला देती हूँ। अभी जो रोहित होता है वो उठता है और कहता है, नियति मुझे खाना नहीं खाना, मुझे नीचे नहीं जाना, नीचे वो चुड़ैल होगी, वो मुझे मार देगी, मुझे नहीं जाना नीचे। अपनी जो नियति होती है वो कहती है, तो मैं ऊपर ला दूँ आपके लिए खाना, आप ऊपर खाएंगे ना रोहित भाई साहब? अपना जो रोहित होता है वो कहता है, अगर तुम ऊपर लाओगी तो मैं सारा का सारा ख़त्म कर दूँगा। अपनी जो नियति होती है वो कहती है, ठीक है
तो आप सोइएगा मत, मैं अभी आपके लिए डिलीशियस डिलीशियस खाने लाती हूँ। जो रोहित होता है नियति का कपड़ा पकड़ लेता है और कहता है कुछ मीठे को भी लाओगी क्या खाने को, कुछ मीठा लाना। अपनी जो नियति होती है वो कहती है हाँ मीठा भी मैं जरूर लाऊंगी। अभी ना नियति स्माइल करती है, अपना रोहित स्माइल करता है। अभी जो निशिगंधा रहती है ना बाहर ही खड़ी रहती है, लाइक वो जो दरवाज़ा है उसके पास अपना शरीर टिका के खड़ी थी, उसका एक पाँव क्रॉस था और वो उनको ही देख रही होती है। अभी वो दोनों उनको नहीं देख सकते होते हैं क्योंकि उसने ना एक कवच बना के रखा था जो उसने पहले बनाया था, जिससे उसको कोई देख नहीं सकता। और अभी जो निशिगंधा रहती है ना उसकी पूरी नज़र रोहित पे नहीं रहती है, अपनी नियति पे रहती है। वो नियति को बहुत ध्यान से देख रही होती है। और गाइस मुझे माफ़ करना, मैंने से बोला था कि मैं वन शॉट बनाऊंगी, बट मैं से वन शॉट नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत ही कमी है। लाइक इन दिनों वर्क बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है और स्टोरी सोचना बहुत ही हार्ड हो रहा है, बिकॉज अभी मेरी 3 स्टोरी चल रही है। जीएल की बहुत डिमांड थी इसलिए मैंने जीएल ला दिया है, बट मैंने शेड्यूल डाला है अपने आईडी पे कि मैं किस हिसाब से चलने वाली हूँ, किसको कितना वेट करना पड़ेगा, और वेट तो सभी को इक्वल ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और मुझे पता है कि आपको भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, बट यकीन मानिए स्टोरी आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आपको देख के लग रहा होगा कि यार ये मॉक्स का क्या तमाशा है, तो मैं बता देती हूँ ये जो स्टोरी है आप काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा जो सीरियल देखते हैं। ये मैंने सुहागन चुड़ैल से लिया है, लाइक लिटरली उसके नाम सुन के मुझे बहुत हंसी आई थी। बट उसमें मेरी फेवरेट एक्टर निया शर्मा है, तो मैंने उसको देखा, मुझे उसकी स्टोरी अच्छी लगी और मैं हूँ स्टोरी को देख के अपनी स्टोरी बनाने लगती है। और मैंने सोचा कि आखिरकार लड़के को हटा देते बीच में से और फिर इनका चक्कर चलता तो कितना मजा आता। तो मैंने इसलिए ये स्टोरी सोची, डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी और मेरे दिमाग में ऐसी स्टोरी चल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना सुहागन चुड़ैल को ही, लाइक सुहागन चुड़ैल का कॉन्सेप्ट लेके ही मैं ला दूँ। लाइक जो मॉक्स नाम था सुहागन चुड़ैल में लड़के का, वो मॉक्स ही रखा है। लड़की का नाम भी निशिगंधा था, लाइक निया शर्मा का नाम निशिगंधा ही था, तो मैंने निशिगंधा ही रखा है। और विजधर नाम भी मैचिंग है, बाकी सब मैंने चेंज कर रखा है। जो सुहागन चुड़ैल में जो दिया थी जो मॉक्स की प्रेमिका है और बहुत कट्टर वाली है, इसमें तो कुछ नहीं दिखाया, बट सीरियल देखने यार गुस्सा आ जाता है कि चुड़ैल की शक्ति यार ऐसी हवा में कर रही है कि प्यार की शक्ति जीतेगी। हाँ प्यार होता है बहुत बड़ा, बट यार थोड़ी सी तो दया करो चुड़ैल पे, उसकी शक्तियाँ को तुम ऐसे हवा में उड़ा रहे हो। एंड मुझे दिया का करेक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यार। सुहागन चुड़ैल जो जो देखता है, जिसको दिया पसंद है मुझे माफ़ करना, बट मुझे दिया की एक्टिंग अच्छी नहीं लगी और उसका करेक्टर मुझे अच्छा नहीं लगा। शायद मैं निशिगंधा को इतना पसंद करती हूँ, बट यस मैं एक्टिंग को लेके कभी भी ये नहीं देखती कि इसका ये हो रहा है उसका वो हो रहा है। फर्स्ट में निया शर्मा जब भी डांस करती थी तो उसके डांस करते समय रिएक्शन अच्छे नहीं होते थे, तो मैं कहती भी थी, बट जब वो डांस इंडिया डांस में आई थी देन उसके क्या रिएक्शन निकलते थे डांस कर, वो बेस्ट डांसर थी, मैं चाहती थी कि वो जीते बट वो नहीं जीत पाई, तो वो छोड़ो। तो मुझे बस दिया का एक्टिंग बहुत, मुझे ऐसा कि उस करेक्टर से थोड़ी सी खुंदसी हो गई, इसलिए मैंने इसमें अपनी नियति को कर दिया, लाइक दिया को रिप्लेस करके नियति कर दिया। और मोहिनी की एंट्री होने वाली है, आप टेंशन मत करो। आप सोच रहे होंगे कि अब यार इनका चल रहा है तो मोहिनी कहाँ से आएगी, बट टेंशन मत करो मोहिनी आने वाली है, जस्ट एन वेट। और कहानी आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत से ट्विस्ट आने वाले हैं, बहुत से टर्न्स आने वाले हैं। ट्विस्ट एंड टर्न्स एक ही होते हैं ना। पता है यार मैं वीडियो लंबा करने के लिए बक रही हूँ क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा बकना नहीं चाहती हूँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में जो लिखना है लिख दीजिएगा, लाइक आपको जो कहानी अच्छी लगी तो अच्छी लिख दीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट का वेट कर रहे हैं तो लिख दीजिएगा आई एम वेटिंग फॉर नेक्स्ट पार्ट। एंड हाँ, ये जो वीडियो है आई थिंक सो सोमवार को आई है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी सोमवार को ही आएगा, बिकॉज मेरे आईडी पे अभी एफएफ चल भी रहे हैं और इसका मुझे लॉन्ग पार्ट बनाना है, तो सोमवार को ही आएगा। तो प्लीज़ इससे पहले कोई मत बोलेगा कि पार्ट जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ, मैं लाऊंगी पक्का सोमवार को लाऊंगी, जल्दी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि जो ऑनगोइंग स्टोरी है, लाइक मैं से हाथों हाथ सोचती हूँ उसको लाने में टाइम लगता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी टाइम लगता है। जैसे मैंने कह रखा है टाइम की बहुत शॉर्टेज है, तो मैं ला नहीं पाती हूँ। और मेरा 1 मंथ शुगर बेबी सब चल रहा है, जिसकी वजह से मेरा दिमाग थोड़ा मैसी सा हो ही रखा है। और अभी मुझे खबर भी मिली थी कि मेरे YouTube चैनल पे कभी इनकम नहीं हो पाएगी, लाइक मैं कभी पैसे अर्न नहीं कर पाऊँगी, तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसा ना मूड अपसेट हुआ है। बट ये सोच के मैं ओके हूँ कि मैंने अपना YouTube चैनल अपने मर्जी के लिए खोला था,
वेंजू के लिए खोला था, फर्स्ट ऑफ ऑल वेंजू के लिए खोला था, दूसरा जो मुझे अच्छा लगे मैं वो डालने के लिए खोली थी। तो उतना दुख नहीं है, बट 1% तो है क्योंकि मैं 2 साल से यूट्यूब पे हूँ, मेरी 2 चैनल बंद हो चुकी है, ये तीसरी है, ये भी बंद होने वाली थी बट ये बंद नहीं हुई, पैसा ही बंद हो गया। तो क्या ही बोलूँ यार, मैं इतनी बकवास क्यों कर रही हूँ। बस लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक कमेंट और सब्सक्राइब देख के बहुत ही खुशी 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 मिलती है। और अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Mm-hmm.